लिखकर मुस्कुरा रहे हैं, लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं, हट जाओ मुर्शिदो मानी आ रहे हैं, और हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा, हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा, और शरीके ये अफवाह फैला रहे हैं। Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, Dost Jigjani, yani ke DJ Mani, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. Mera pehla sawal wahi ghisa pita magar khaloos se bharpoor, ki hala tuhaada theek ho, hit ho, fit ho, lush ho. Yakeenan tamam sunne wale khairiyat se honge, hit honge, fit honge, lush honge aur behtareen zindagi guzaar rahe honge. Sabhi naye aur purane tamam listeners ko program mein welcome karta hoon. तो जनाब आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज है मेरे पास। सबसे पहले जनाब जिन जिन की आज बर्थडे है सबको बोलेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी ते मैनी मैनी ते मैनी मोर। जियो हजारों साल साल के दिनों 50,000 इसी दुनिया में हल्के फुलके तक्के खाते रहो। जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जी उन्हें बोलेंगे गेट वेल सून। और जिन्होंने पेपर्स दिए, वैसे पेपर किसी ने दिए नहीं है, छुट्टियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, सो एंजॉय कीजिए। सो जनाब अभी पहला जो नंबर मुझसे रबते का है वो है 4471 यानी 4471। अपने राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 4471 यानी 4471 पे। उसके बाद बारी आती है जी 101 के मुफ्ते यानी कि फेसबुक यूजर्स की। सो facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, वहां पे जाइएगा और अपना प्रेम पत्र जो है वो मुझ तक पहुंचाइएगा। यकीनन प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आज हमारी क्योंकि गप्पे बहुत लगने वाली हैं, तो जनाब आज मैं आपको मिलवाऊंगा पाकिस्तान के उस सितारे के साथ जो कि पिछले 7 दिन जो है वो नंबर 1 रहा जी ट्रेंडिंग में। बिल्कुल जी, आज हम बात कर रहे हैं जी उमैर अवान की। यकीनन आप लोग सारे ही जानते होंगे, सोशल मीडिया पे हर बंदा मौजूद है। सो आज तक यानी कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ट्रेंडिंग में नंबर 1 गाना जो था वो था जी क्यूट जई लुक तेरी सोनी है। सो इस ट्रैक को गाया था जी उमैर अवान ने, और आज हमारे गेस्ट उमैर अवान हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले हम सुनेंगे जी गाना, जब वापस आएंगे तो फिर उमैर के साथ हम लगाएंगे गपशप और उमैर से पूछेंगे कि यहां तक पहुंचा कैसे। रोज मार दी तक तेन अख मर जानी है, होंदी है ब्लिंक मेरे कार दी, क्यूट जही लुक तेरी सोनी है, गबरू नू नित रोज मार दी तक तेन अख मर जानी है, होंदी है ब्लिंक मेरे कार दी। आजा बिलो बैजा कुछ सुन कुछ कह जा, आजा बिलो बैजा कुछ सुन कुछ कह जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, गल दस दांगे साडे प्यार दी, क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गबरू नू नित रोज मार दी तक तेनू अख मर जानी है, होंदी है ब्लिंक मेरी कार दी। बिग बॉय टॉय तेरी गड्डी सोनी है, पहला ही मंगा ली मैं करोनी तेरे ना, लव डोज दे जा थोड़ी लव डोज ले जा, लव डोज दे जा थोड़ी लव डोज ले जा, एक बारी सोनी है तू डोली मेरी पै जा, एक बारी सोनी है तू डोली मेरी पै जा, तेरे नाम ला दू हर सानी, क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गबरू नू नित रोज मार दी तक तेनू अख मर जानी है,
खाली लुक नहीं तेरी तेरी देखी सीरत देख के तुझको मेरी मर गई मत आ हो जाए तू मैली जो लगाऊं हद तुझे पार लूंगा हर कीमत पर आ लेके आया तेरे लिए कार सनरूफ प्यार तुझे करता मैं दूंगा प्रूफ सादगी को मेरी दीवाना बन समझ मत समझियो मुझे मेरी जान बेवकूफ तेरी थां पर मेरी तेरे विच वसदी है जान गाना जदो होंदा मेरा लॉन्च सोनिए एक टॉकर च कोई रहंदा ना पेशा चल मजसूर में दी गल उतरा जा चल मजसूर में दी गल उतरा जा बादशाह किसे एक सॉन्ग ना लिखे जा बादशाह किसे एक सॉन्ग ना लिखे जा लिमिट नहीं रहनी मेरे चादी क्यूट जेही लुक तेरी सोनिए गब्बरू नूं नित रोज मार दी तक तेनू अख मर जानी है आंदी है बलिक मेरी कार दी क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है डंबरू नूं नित रोज मार दी तक तेनू अख मर जानी है आंदी है बलिक मेरी कार दी तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद जी आयनु मैं आपका होस्ट दोस्त जिग जानी यानी के मानी और जनाब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार अब तो सुपरस्टार कहने में कोई भी हर्ज नहीं है सो पाकिस्तान के सुपरस्टार उमैर अवान मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम उमैर जी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके आप बड़ा अच्छा लग रहा है उमैर देख के थैंक यू सो क्यूट जी लुक वैसे क्यूट जी लुक तो आपकी है कैसा लग रहा है ट्रेंडिंग में नंबर वन उमैर अवान कश्मीर से चला हुआ लड़का और इस्लामाबाद पहुंचा 5 साल पहले मैंने यही उमैर अवान यहाँ इस्लामाबाद में देखा था और आज वो सुपरस्टार ट्रेंडिंग में नंबर वन बेहतरीन गाने टिकटॉक सुपर हिट उसके बाद क्यूट जी लुक सुपर हिट कैसा लग रहा है क्या फील कर रहे हो बहुत अच्छा फील कर रहा हूं अच्छा तो क्या लग रहा था कुछ टाइम पहले तक उमैर जो है वो इस जगह तक पहुंच जाएगा उमैर जी बिल्कुल जैसे तो मैंने मेहनत की है उससे मुझे पूरा यकीन था इंशाल्लाह कि मैं जरूर कामयाबी की तरफ जाऊंगा ये शुरू से शौक था या बस वैसे ही मतलब वैसे ही गलती से भी कई बंदे सिंगिंग में आ जाते हैं ना कि यार कुछ नहीं हो रहा सिंगिंग कर लेते हैं हाँ मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं एक सिंगर बनूं पहले तो बाथरूम सिंगर था और फिर प्रोफेशनली इस चीज का आगाज किया और अच्छा सीखा जी मैंने सीखा है म्यूजिक मेरे उस्ताद हैं उस्ताद शौकत मंजूर अच्छा मतलब उस्ताद हैं भाई के पीछे जी जी वैसे मोस्टली आजकल कहते हैं कि कोई भी बंदा उठ के सिंगिंग कर सकता है क्या ये ठीक है नहीं नहीं हर किसी के बस की बात नहीं है हर कोई नहीं कर सकता मतलब मेहनत करनी पड़ती है बिल्कुल सो कितना टाइम लगा उमैर कितने टाइम की स्ट्रगल है मैं बहुत सारे स्टार्स को जानता हूँ जिनके पीछे लंबी लंबी स्ट्रगल है अगर हम बड़े आर्टिस्ट की बात करें आतिफ असलम की बात करें हम बिलाल सईद की बात करें तो 12 साल के बाद बिलाल को जाके चांस मिला तो कितने साल आपने लगाए 5 साल मुझे हो गए इस फील्ड में काम करते हुए प्रोफेशनली और अब जाके मेरा गाना जो है क्यूट सी लुक लोगों ने इतना प्यार दिया इतना सपोर्ट किया लोगों तक पहुंचा अच्छा तो वीडियो जो है आपने दुबई में की है जी बिल्कुल और पाकिस्तान जो है वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को पसंद किया जाता है दुबई में सो वहाँ से कैसा रिस्पांस रहा दुबई के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया बहुत बहुत सपोर्ट किया अभी भी हर जगह गाड़ियों में क्लब्स में कैफेज में गाना मेरा प्ले हो रहा है बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सो ट्रेंडिंग जो है हमेशा हम लोगों के लिए बड़ी अहम रहती है जब भी हम लोग गाना करते हैं कोई भी काम करते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि ट्रेंडिंग में चले जाएं ताकि दुनिया हमें जान जाए तो उमैर अवान पहली दफा तो ट्रेंडिंग में नहीं थे आप पहले ट्रैक के ऊपर भी ट्रेंडिंग में थे आप जी बिल्कुल वो ट्रैक कैसा रहा आपका उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा 26 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे जो है वो क्रॉस हुए उस गाने पे भी 26 मिलियन व्यूज मैं सुनने वालों को बता दूं जी टिकटॉक बिलो आप एक ट्रैक सुनते हैं वो ट्रैक भी जो है वो उमैर अवान का उमैर कश्मीर से आपका ताल्लुक है ऐसे ही है कश्मीर में बहुत ज्यादा सुना जाता है एफएम तकरीबन वहां पे हर इलाका जो है वहां पे एफएम सुना जाता है तो कश्मीर वालों को जरा वेलकम कर ले सारों को जरा बताएं कि कश्मीर का जवान जो है वो स्टार बन गया जी बिल्कुल ऐसा ही जो लोग अभी सुन रहे हैं मैं सबको बताना चाहूंगा कि मेरा ताल्लुक जो है वो कश्मीर से मुजफ्फराबाद से मैं बिलोंग करता हूं
अच्छा जफराबाद से, तो कितना अरसा बचपन वहीं गुजरा या इस्लामाबाद में थे? हाँ बचपन तो मेरा सारा कश्मीर में गुजरा है। अच्छा तो कोई इस फील्ड में पहले बंदे हो अपने खानदान से या फिर इससे पहले भी कोई बंदा आपकी इस फील्ड में मौजूद था? जी जो मेरे फादर हैं एज अ एक्टर उन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काफी काम किया है, काफी ड्रामास में वो काम कर चुके हैं। नाम भी बताइए ना, अगर पीटीवी में किया तो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जी, ताकि लोगों को पता चले कि किसका बेटा यहाँ मौजूद है। जी मेरे वाले साहब का नाम सलीम अवान है, तमाम लोग जानते हैं। और ठीक हो गया जनाब, एक दफा फिर से हम गाना सुनेंगे और बहुत सारे मजीद सवाल हम प्रॉपरली जानेंगे कि उमैर अवान आखिर है क्या। ਕੰਦਨੋ ਮਗਾਣੀ ਵਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਛਾਂ ਬਿਗ ਬੋਏ ਟੋਏ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਵ ਡੋਜ ਦੇ ਜਾ ਥੋੜੀ ਲਵ ਡੋਜ ਲੈ ਜਾ ਲਵ ਡੋਜ ਦੇ ਜਾ ਥੋੜੀ ਲਵ ਡੋਜ ਲੈ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਏ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਮੇਰੀ ਪੈ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਏ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਮੇਰੀ ਪੈ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰ ਹਰ ਸਾਨੀ ਕਿਊਟ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਏ ਗੱਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਰ ਜਾਣੀ ਏ खाली लुक नहीं तेरी तेरी देखी सीरत देख के तुझको मेरी मर गई मत आ हो जाए तू मैली जो लगाऊं हद तुझे पा लूंगा हर कीमत पर आ लेके आया तेरे लिए कार सनरूफ प्यार तुझे करता मैं दूंगा प्रूफ सादगी को मेरी दीवाना बन समझ मत समझियो मुझे मेरी जान बेवकूफ जी उमैर अवान से फिर से मजीद सवाल आज जी उमैर क्योंकि आज फंस गया है काफी अरसे के बाद तो उमैर इस्लामाबाद कब आना हुआ? जी मैंने इस्लामाबाद आया 2015 में और मैंने इस चीज का आगाज किया मतलब सिंगिंग का। जी तो वहां पे कश्मीर से ही मतलब सोच के आए थे सिंगिंग करनी है? हाँ मैं ये सोच के आया था कि मैं इस एज अ सिंगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ। ठीक हो गया तो पाकिस्तान से बाहर चले गए कुछ टाइम के लिए। जी तो वहाँ पे क्या किया? मैं दुबई चला गया, वहाँ पे मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, जॉब की और दोबारा से फिर पाकिस्तान आया और फिर मैंने कहा यार अब टाइम आ गया कुछ करने का, तो फिर मैंने काम स्टार्ट किया। बिल्कुल 2015 मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन मैंने एक स्टेटस लगाया था और मैंने कहा था पाकिस्तानी अपकमिंग स्टार और वो तस्वीर हम रात को देख भी रहे थे जब आप पहुंचे इस्लामाबाद में। तो उससे मुझे ना मतलब ऐसा लगा था पहली दफ़ा जब मैंने उमैर को देखा 2015 में तो मैंने इसे कहा कि यू विल बी अ स्टार। तो ये कहता है मानी भाई वो किस तरह, मैंने कहा तेरी आंखें चमक रही हैं भाई। तो आज बिल्कुल मैंने मुझे इसने कहा मानी भाई मैंने इंटरव्यू करना है तो मैंने इसे कहा था मैंने कहा जिस दिन आप स्टार होंगे उस दिन मानी के शो में होंगे। सो आज कोई डाउट नहीं है जी उमैर अवान जो है वो पाकिस्तान का स्टार है और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े स्टार जो है उन्होंने कोशिश करके बीट करने की कोशिश की है लेकिन ट्रेंडिंग में नंबर वन अभी तक मौजूद है। और जो क्या नाम है अली जफर का गाना वो सेम स्टूडियो से बना हुआ गाना है जी बिल्कुल, और बादशाह भाई ने दोनों गाने बनाए पहले और दूसरे नंबर पे दोनों गाने बादशाह भाई के चल रहे हैं। सो मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान इंडस्ट्री जो है वो बेहतर होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, जितनी भी हमारी वीडियोस हैं ठीक है हम वीडियोस पे इतना अच्छा काम नहीं करते लेकिन मैंने आपकी दोनों वीडियोस देखी हैं बहुत बेहतरीन वीडियोस हैं। सो मैं पूछना चाहूंगा वीडियो की किसने और कौन कौन था इस वीडियो में? टिकटॉक के बड़े अच्छे अच्छे स्टार्स लिए आपने इसके अंदर। जी इस वीडियो में मेरे साथ एज अ मॉडल काम किया नदीम नानी वाला ने और अली हैदराबादी ने और इस वीडियो को डायरेक्ट किया है मुदस्सर वदूद ने जो कि मेरे डायरेक्टर हैं। अच्छा मुदस्सर वदूद जो है बहुत बेहतरीन काम करते हैं, उनका ऑलरेडी बहुत सारे गाने मार्केट में हैं, पहाड़ों की कसम, फिर वो शान के साथ जो दूसरा था तेरे शहर में, तुम्हारी एक वीडियो भी मौजूद है, इससे पहले टिकटॉक बिल्लो भी जो है वो मुदस्सर वदूद ने डायरेक्ट किया है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, इस्लामाबाद से ताल्लुक, इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद वो भी मेरे शो का हिस्सा होगा। सो मुझे ये बताओ कि कश्मीर याद आता है? हाँ क्यों नहीं, मुझे घर याद आता है। अच्छा, फैमिली याद आती है। इस कामयाबी के बाद अभी तक कश्मीर चक्कर लगा या नहीं लगा? नहीं अभी तक तो मैं नहीं जा पाया क्योंकि रिकॉर्डिंग्स वगैरह में बिजी हूँ और नेक्स्ट जो मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें मैं वर्किंग स्टार्ट किया है। अभी फ्यूचर में प्रोजेक्ट आप तैयार कर चुके हैं जो कि आने वाले हैं। ठीक हो गया तो मुझे ये बताओ कि अभी अभी बहुत सारे लोगों को कश्मीर में ये बात पता नहीं थी कि उमैर अवान कश्मीर का है, तो ये जो स्टार इस टाइम पे ट्रेंडिंग में घूम रहा है इसका ताल्लुक कश्मीर के साथ है, तो कश्मीरियों के लिए क्या बोलेगा कोई एक लाइन कश्मीरियों के लिए जो कि अभी अभी सुन रहे हैं स्टार को जो कि आने वाले वक्त में भी कश्मीर का स्टार होगा पाकिस्तान का स्टार होगा? कश्मीरियों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, तो मुझे अपने कश्मीर के सब लोगों से बहुत प्यार है, सब लोग मुझे अभी भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने इतना सपोर्ट किया, तो लव यू ऑल कश्मीरियों।
छा गए हो। अच्छा, कश्मीर से मोहब्बत कुछ इस तरह की है कि मैंने खुद को भी एम्बेसडर डिक्लेयर किया है जी। कश्मीर, जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता तब तक हम सारे के सारे कश्मीरी हैं। सो आज मुझे बड़ी खुशी है जी कि उमैर जो है वो मेरे शो में है, और इंशाल्लाह एक दिन उमैर कश्मीर की भी आवाज बनेगा। ऐसे ही उमैर जी, बिल्कुल मैं जरूर चाहूंगा कि कश्मीर वालों की हौसला अफजाई करूं जो बॉर्डर के इस पार हैं, जो उस पार भी हैं। अच्छा, एक मजे की बात है कि बॉर्डर के उस पार भी आपका शो सुना जा रहा है। 101 वो वाहिद आवाज है जो कि बॉर्डर के पास जम्मू कश्मीर में भी सुनी जाती है। तो उन वो भाई जो उधर सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जी, मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूंगा कि वो मुझे अपनी दुआओं का हिस्सा रखें, और इंशाल्लाह मैं ऐसा इरादे रखता हूँ कि आने वाले वक्त में शायद उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। चले, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं ना, नियत वल मुराद होती है। सो उमैर की जो, मैं उमैर को पर्सनली भी जानता हूँ, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बच्चों की तरह है जी मेरे। लेकिन उमैर जो है इसके अंदर ये चीज, एक वो जो पार्ट है कश्मीर के लिए खास, एक मतलब इसके अंदर वो दिल धड़कता है। बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जहां पे भी हम बैठते हैं, जहां पे भी मुलाकात होती है, तो हमेशा ये कश्मीर की बात करता है, जिसकी वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगता था पहले भी। अच्छा, कभी सोचा था कि ऐसे स्टार बन जाओगे? अचानक से ही रातों रात पता ही नहीं चलेगा ट्रेंडिंग में होगे और दुनिया उमैर अवान के पीछे 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 पीछे, क्या लग रहा है वैसे इस टाइम? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, मेरी उम्मीदें बहुत पुख्ता थी। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कुछ कर पाऊंगा और लोगों के सामने मेरा काम आएगा, लोग इतना प्यार देंगे, इतना सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो लोग अभी जाते हो तो क्या करते हैं, मतलब जब से ये गाना आ चुका है तो लोग तंग कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी कल मैं मार्केट में शॉपिंग करने गया, और हालांकि मैंने मास्क पहना हुआ था। अच्छा, तो मेरे बालों से मुझे, यानी कि वो कलर से पहचान गए। उन्होंने कहा, यार आप तो वही हो जिसका गाना है। ये बड़ा मजे का स्टाइल दिया आपने बालों को। यकीनन जो लोग अभी थोड़ी देर के बाद टिकटॉक पे आपकी वीडियोस देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो वो बताएंगे, खासतौर पे वो लोग जो कि FM सुनते हैं, और कश्मीर में जितने लोग मौजूद है, जाइए जाके YouTube पे उमैर अवान का गाना जो है उसको सुनिए। क्यूट से ही लुक। बिल्कुल जी, जैसे ही आप YouTube खोलेंगे आपको टॉप पे नजर आएगा क्यूट जी लुक। सो अच्छा, मतलब हर आर्टिस्ट के अंदर ख्वाहिश होती है ना उमैर, कि मैं बनूंगा, मतलब यही सोच के इंसान आगे निकलने की कोशिश करता है। बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं, तो यकीनन बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां पे आपको सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं 5 लोगों का नाम पूछूं कि कौन से ऐसे 5 लोग हैं जिनको आज शुक्रिया अदा करना चाहते हो इस स्टेज पे बैठ के, तो किसको करो? सबसे पहले तो मैं जो फर्स्ट क्रेडिट है वो अपने पेरेंट्स को दूंगा कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतनी सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने टाइम दिया कि मैं स्ट्रगल कर सकूं, मेहनत कर सकूं। और सेकंड थिंग, मेरे जो म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर है मुदस्सिर वदूद, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मेरे सॉन्ग की मेकिंग के लिए। एंड उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनमें है सप्तैन सिबी हैं, उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और सबसे जो बड़ा क्रेडिट है वो मैं देना चाहूँगा DJ मानी को, जिन्होंने मुझे एक अच्छी और स्ट्रांग उम्मीद दी, जिसकी बेस पे मैं इतना अच्छा काम मैंने किया, मैं हिम्मत नहीं हारा और मैं करता गया। और इंशाल्लाह करते रहोगे और इंशाल्लाह ट्रेंडिंग में रहोगे, ये हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। और अब तो कश्मीर को पता चल गया कि उनका एक स्टार जो है वो दुनिया का स्टार बनने जा रहा है, तो कश्मीरियों की अब इतनी सपोर्ट होनी है आपके पीछे, आपकी सोच है। और मुझे ये बताओ कि 101 क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बहुत ज़्यादा सुनती है, सो क्या कोई आर्मी के ऊपर भी आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने का प्लान है? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के लिए आर्मी से रिलेटेड जो है, मैं एक तराना मैंने रेडी किया है, इंशाल्लाह वो भी जल्द ही सब लोग सुन पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक हो गया, मतलब आप इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। चलें जी, पाकिस्तान आर्मी के लिए भी गुड न्यूज़ है जी, उमैर अवान जो है वो तराना भी इख्तियार कर चुका है, जो कि बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। सो जनाब, यहाँ पे हम एक अदद ब्रेक भी लेंगे और उमैर अवान का ये गाना हम फिर से सुनेंगे, ताकि फिर वो कहते हैं ना, क्यूट जी लुक तेरी सोनी है। वैसे मेरी भी क्यूट जी लुक है। अच्छा, वैसे ये आइडिया कैसे आया था क्यूट जी लुक? एक्चुअली मैं अपने जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनसे मैं बात कर रहा था सॉन्ग के बारे में, कि बादशाह भाई मुझे जो है ना कोई एक ऐसा सॉन्ग चाहिए जो हिट हो जाए मार्केट में। तो मैंने कहा, यार बादशाह भाई कोई क्यूट सा सॉन्ग बना दे मेरे लिए। बस थोड़ी देर बाद मुझे बादशाह भाई की कॉल आई, बादशाह भाई ने कहा, यार मैंने गाना तुम्हारे लिए बना लिया है,
क्यूट जी लुक के लिए आप रेडी हो जाओ, जल्दी से आ जाओ रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, तो बस फिर मैंने, अच्छा बादशाह भाई की बात की जाए अगर, तो इस वक्त जो टॉप पर मतलब जो ट्रेंडिंग है उसमें दोनों गाने टॉप पे इस टाइम पे बादशाह भाई के मौजूद हैं। सो कहाँ रेट करते हैं आप बादशाह भाई को बाकी जितने भी म्यूजिक कंपोजर्स हैं? हाँ, बादशाह भाई के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन जैसा काम मुझे तो पूरे पाकिस्तान में 4 सालों में कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे आके रुक गया। और मेरे आने वाले जितने भी 10-12 प्रोजेक्ट हैं वो बादशाह भाई ही कर रहे हैं, और प्रॉपरली मैं उन्हीं के साथ काम करना चाहूंगा। जबरदस्त। उसके अलावा टिकटॉक बिलो में आपने हमसाया मुल्क से जो थी वो फीमेल मॉडल ली, ये क्या आइडिया था? मतलब पाकिस्तान के लड़के, इंडिया की लड़की और टिकटॉक बिलो। बस मैं मेरा आइडिया ये था कि मैं जो है अपने जो कल्चर है, जो हमारा जो काम है, उसको मैं लाइक हर जगह पे प्रमोट करूं, लाइक लंदन में भी, इंडिया में भी, हर जगह वो जाए, लोगों को पता चले कि यार हम कम नहीं है इंडियंस से। अच्छा, फ्यूचर में भी काम करने का प्लान है आगे उनके साथ? जी हाँ, क्योंकि कोलैबोरेशन एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फैन फॉलोइंग गेन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ जो है वो दूसरे हमसाया ममालिक तक पहुँचा सकते हो, मेरे ख्याल से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाहर से क्या रिस्पांस है लोगों का? मतलब पाकिस्तान से तो मोहब्बत मिल ही रही है, पाकिस्तान के लोग तो पसंद कर ही रहे हैं। मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ आपका गाना बज रहा है, अगर मैं टिकटॉक खोलता हूँ तो ट्रेंडिंग में आप ही आप नजर आ रहे हैं सारे के सारे। और आपने एक बड़ा अच्छा, मतलब आपकी वीडियो में अगर देखूँ तो पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी वीडियो देखने को मिलती है। जी, क्योंकि मेरा माइंड स्टार्ट से ये रहा है कि मैं कुछ क्रिएटिव काम करूं जो सबसे अलग दिखे, सबसे अलग काम करना, यानी कि मेरा जो है स्पेशलिटी है, मैं ये चीज़ लाजमी अपने जो है ना काम में शामिल करता हूं। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात है उमैर, मैंने जब भी आपके साथ कोई भी प्रोजेक्ट डिस्कस किया या आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हो मेरे से डिस्कस करते हो, तो मुझे हमेशा एक चीज़ लगती है कि बड़े बड़े पक्के हो, बड़े मैच्योर हो। कैसे? मतलब गलत चीज़ को हाथ नहीं डालते, दो गाने आए दोनों सुपरहिट। हाँ, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके साथ बहुत लॉयल रह के चलता हूँ, बहुत यानी कि उसके बारे में बहुत सोचता हूँ, उसे हर लिहाज से सोचता हूँ कि मार्केट में कैसे लाना है, कैसे इसको हिट कराना है, कैसे कैसी कंपोजिशन लेनी है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। थैंक यू सो मच। अभी हम चलेंगे जी एक अदद कमर्शियल ब्रेक की जाने, वापस आएंगे तो हम लाइव सुनेंगे उमैर अवान को। ये क्यूट जी लुक गाना जो है ये लाइव सुना जाएगा। तो जनाब अभी हम चलेंगे एक अदद टाइम चेक की जाने, वापसी होगी फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून्ड टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी, बड़े ही प्यार से। सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मिल जाऊंगा। Check. It's 11:30 p.m. We'll be back after the short commercial break. प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत शिद्दत से आई है और हमें आपकी सेहत बहुत अजीज है, लेकिन पढ़ाई का हर्ज हम नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं हम रेडियो स्कूल में, रेडियो पाकिस्तान पर पहली जमात से 5वीं जमात तक, हर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोहराई के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक, गिलगित से गवादर तक, हवा के दूस पर साथ निभाएं और आगे बढ़ते जाएं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, और एक दफा फिर हमारी मैथ क्लास में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग, चलो गिनते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट को उर्दू में अंग्रेजी हरूफ तहजी कहते हैं, ये कितने हैं, उर्दू में कितने हैं, तो सुनना ना भूलिएगा रेडियो पाकिस्तान के मीडियम वेव FM 93, FM 94 और FM 101 के नेटवर्क्स के अलावा रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल ऐप रेडियो पाकिस्तान ऑफिशियल पर भी। रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज। विफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात और वजारत तालीम पेशा वराना तरबियत की मुश्तरका काविश रेडियो स्कूल।
पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमा। आप सुन रहे हैं FM 101। तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। करे आईफोन लाइक रखे हाया पुसा बाइक, आईफोन लाइक रखे हाया पुसा बाइक, मार सर चातू हॉलीवुड रॉक ते। तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तू अंजलि न लगती जिमी चुचू पावे नी तू चाली चाली लख दी, अदी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगती जिमी चुचू पावे नी तू चाली चाली लख दी। फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जीणिया उन्हां फोटोआं दे नाल दिल साडा ठग दी। तेरा एपड़ वाला फोन वखरी है तेरी टोन, एपड़ वाला फोन वखरी है तेरी टोन, लागे अखां दे निशाने मुंडे ठोक दे। तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तेरी अखियां दा शेड बिलो सिल्वर शाइन, लोर विच रहके नी तू सुने लिल वाइन। मैं भी वेख तैनू हो गया क्रेजी, ना करो तैयो पार्टी च भी के आया अज रेड वाइन। तू 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 ते बिलो टिकटॉक यूज कर दी, तू ते लक भी दे सूर में ते मार दी। All right, listeners, welcome back. तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जी आई एम आपका होस्ट दोस्त जिग जानी, यानी के डीजे माने। और जनाब मेरे साथ मौजूद है जी उमेर अवान। जी उमेर, सो ये पहला ट्रैक आप लोगों का, ये भी आपने कोलैबोरेशन की हनी राज के साथ, तो ये सारे का सारा आइडिया आपका था? जी बिल्कुल। तो हनी राज मेन पे किया, बड़ी खूबसूरत वीडियो है इसकी भी, इसी की मैं बात कर रहा था, जिसमें कि आपने हमसाया मुल्क से लड़की जो है फीमेल मॉडल आपने इंडिया से ली। जी बिल्कुल। बस ये कि ये प्रोजेक्ट जब मैंने बनाया था, फिर जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मुदस्सर वदूद, जो कि मुझे प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, अच्छा आइडिया देते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं, तो उनके मशवरे के साथ मैंने चला और हिट हो गया ट्रैक। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे जहन में काफ़ी अरसे से फंसी हुई थी कि जितने भी अभी पाकिस्तान के बड़े आप सिंगर्स देख लें, अगर आतिफ को देखते हैं, आप बिलाल को देखते हैं, तो लड़कियां फीमेल मॉडल सारी की सारी आप लोग जो हैं वो इंडिया से ले रहे हैं, उसकी खास कोई वजह? हाँ, उसकी खास वजह ये कि अभी जैसे हम पाकिस्तान में देखें तो अब हर बंदे का अपना अपना जो है वो काम करने का टेस्ट है। ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है, बिलाल सईद को देख लें, आतिफ असलम को देख लें, आपको देख लें, इवन अली जफर को देख लें आप। जी, तो इसके पीछे क्या खास लॉजिक है, क्यों? मतलब क्योंकि ये चीज़ हमारे पाकिस्तान के कल्चर में हमें नहीं मिल रही। जैसे अब जो जितनी भी यूरोपियन गर्ल्स हैं जिनको हम दिखाते हैं डांस, ये हमारे पाकिस्तान के कल्चर में इतना नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ से ये चीज़। मतलब दुबई एक ऐसा हब है जहाँ पे के एक मुश्तरका इंडस्ट्री मौजूद है जो कि ये काम कर रही है। जी, और खासतौर पर मैं देखता हूँ यकीनन 80% जो गाने हैं उन्हीं के ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और वहाँ तक किसने पहुँचाया, ये मेरा बड़ा खास सवाल है कि उस इंडस्ट्री तक पहुँचने में किसका हाथ था सबसे बड़ा? उस इंडस्ट्री तक पहुँचने में तो किसी का हाथ तो नहीं कहेंगे, बस आइडिया था जो कि जिस पे हमने काम किया और हमें उसमें सक्सेस मिली। क्या किसी ने इन्वेस्ट की, खुद काम किया, खुद सारी मेहनत की, कहाँ से? मतलब हम मेहनत की तरफ आएंगे, लाइव गाना तो आपसे हम सुनेंगे, बहुत सारे कॉलर्स भी वेट कर रहे हैं जी, बहुत सारे लोग उमेर अवान से बात भी करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग 11 बजे के बाद कॉल करेंगे, फिर बैक टू बैक कॉल्स होंगी पूरे पाकिस्तान से, उमेर अवान से कोई भी सवाल है जो कि आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अच्छा, तो उमेर अवान के दिल में अभी क्या हसरत? ट्रेंडिंग में नंबर वन होना तो एक हसरत होती है। मैं देख रहा था अली जफर पिछले कुछ दिनों से बड़ा जोर लगा रहा था कि ट्रेंडिंग में नंबर वन पे चला जाए तो अली जफर का गाना भी बादशाह ने किया था, सो आज बादशाह जो है वो मेरा ख्याल है बहुत खुश होंगे। जी बिल्कुल, बादशाह भाई तो बहुत खुश हैं, उनके गाने आगे पीछे ट्रेंडिंग में आ रहे हैं दोनों। सो मतलब हर सिंगर की यही ख्वाहिश होती है जी?
हर सिंगर की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बनाए हुए सॉन्ग जो हैं वो लोगों तक जाएं, लोग उन्हें पसंद करें और उसका उन्हें भरपूर रिस्पांस मिला जाए, लोग सपोर्ट करें। इसका मैं एक आसान सी लाइन में जवाब जाता हूँ कि जिस दिन उमेर अवान क्यूट जी लुक जो है उसको अपलोड करके निकला, ठीक है, उस टाइम आपके साथ मेरा ख्याल है टिकटॉक स्टार जो नदीम नानी वाला है वो मौजूद था, ऐसा ही है जी? बिल्कुल। तो क्या वो क्या सीन था जरा सारे सुनने वालों को बताइए कि आप जब अपलोड करके निकले तो उसके बाद क्या रिस्पांस था, कैसे ट्रेंडिंग में गया, कितना टाइम लगा और वो जो टाइम था वो उमेर अवान के लिए क्या था? जी बिल्कुल, शाम के 6 बज रहे थे और हमने जब गाना अपलोड किया, गाने की रिलीजिंग थी लाहौर में, उस गाना अपलोड करने के बाद जब हम वापस घर आए और मेरी आंख लग गई, कुदरती तौर पे ऐसा हुआ कि मेरी आंख लग गई। किसके साथ? नहीं, अकेले मेरी आंख लगी। और सोने जैसे मैं सो के उठा, मैं देख रहा हूँ कि नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं एंड गाना जो है वो ट्रेंडिंग में आ चुका है इस वक्त, मैं देख रहा था और लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं और लाइक इस तरह से, मैं तो बस खुशी से यकीन माने। अच्छा, खुशी से मोटे बिल्कुल भी नहीं हुए? बड़ी कोशिश की है कि खुशी से मोटा हो जाए लेकिन उमेर अभी तक पतला है। पता नहीं उमेर क्या मतलब, पतलापन रास आ गया या मोहब्बत, या मोहब्बत कर बैठे हो? अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि अजीब से मोटे मोटे, उनका पेट निकला हुआ, फिर वो जिम की तरफ भागते हैं और बस ये कि मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं ऐसा हूँ और लाइक मुझे इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अच्छा, एक सिंगर के लिए सबसे बड़ी मैंने मेरा सवाल था, मैंने कहा पतले हो या मोहब्बत कर ली। मोहब्बत तो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। नहीं, हमारी सबकी जिंदगी, लेकिन अभी उमेर अवान बताए उसकी जिंदगी का भी हिस्सा है या नहीं? हो भी सकती है। लड़कियां तो पागल है ना इस टाइम पे, मतलब जहां मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की जितनी बड़ी स्टार्स हैं सारी की सारी इस गाने के ऊपर जो है वो वीडियोस बना रही हैं, तो मतलब वो सारी फोन भी आ रहे हैं लड़कियों के। हाँ, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। नहीं, वो तो हमें पता है पॉजिटिव ही होगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है कि एकदम से लड़कियां, लड़के, बाबे, हर बंदे ही पीछे पड़ गया, यार उमेर अवान कौन है? मतलब मैं तो समझता हूँ मिनट मिनट के बाद नोटिफिकेशन आते हैं। ऑब्वियसली एक लड़का है, अगर उसे इस तरह का रिस्पांस मिले उसको अच्छा फील होगा। अच्छा जी जी। चलें जी, समझने वाले तो समझ ही गए। लव डोज दे जा, थोड़ी लव डोज ले जा, एक बारी सोनी है तू डोली मेरी पै जा, एक बारी सोनी है तू डोली मेरी पै जा, तेरे नाम मिला दूं हर सानी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में होगा जब भी कोई स्टार नया आता है तो सब लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे ये बताओ कि किस फैमिली से ताल्लुक है कश्मीर में? जी, मैं अवान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मलिक है आप? जी, मलिक अवान है। जबरदस्त, मतलब कश्मीर वाले जी, मुजफ्फराबाद से ताल्लुक है और कश्मीर में जितने लोग हैं वो लाजमी जाके उमेर अवान की जो है यूट्यूब पे वीडियो जो है उसको देखें, आप लोगों को मजा आ जाएगा मुझे देखने का कि बहुत अरसे के बाद मुझे कोई वीडियो अच्छी लगी है। अच्छा, पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोग सिंगिंग करते हैं लेकिन वो हिट नहीं हो पाते, उसके पीछे रीजन क्या होती है उमेर जी? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो अच्छी कंपोजिशन चूज़ नहीं करते, और अच्छी कंपोजिशन चूज़ नहीं करते और उसके बाद जो उसका वीडियो है वो उस टाइप का नहीं होता जैसी कंपोजिशन है, जैसा गाना है उससे रिलेटेड वीडियो नहीं करते, इसलिए लोग अब लोगों को पसंद नहीं आता, ये इसकी मेन वजह है। ठीक हो गया, तो मुझे ये बताओ कोई ऐसी हसरत मतलब किसी के साथ काम करने की, किसी लड़की के साथ काम करने की? ऐसी हसरत? तो आप तो, एक तो आपके क्वेश्चन इतने मुश्किल है। नहीं, मैं तो पूछना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, कई दफा हम सोते हैं ना, जब मैं भी स्ट्रगल कर रहा था जब मेरी फिल्म नहीं आई थी, तो मैं सोचता था जी अगर जब मेरी फिल्म आई तब भी मैं सोचता था मैं इसके साथ काम करूंगा, तो इसलिए अब तो ट्रेंडिंग में हो, अब तो गाने पे गाना आने वाला है, ठीक है, गाने पे गाना ठा गाना, सो किसके साथ काम करना पसंद करोगे कि ये मेरी ख्वाहिश दीजिए अगर मैं यहाँ पहुंचूंगा तो मैं इसके साथ काम करूंगा? मैं पाकिस्तानी सिंगर हैं आयमा बेग, उनके साथ मैं कोलैब करना चाहूंगा। चाहूंगा या हो चुके हैं? कह भी सकते हैं या चाह भी सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं जी। बहुत जल्द आप वैसे आयमा बेग और उमेर को भी सुनेंगे, लग तो मुझे ऐसे ही रहा है, ये ब्रेकिंग न्यूज है वैसे, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कुछ अरसे के बाद। अच्छा, तो उमेर मतलब आयमा के साथ काम करने का शौक है? जी बिल्कुल। वजह? क्योंकि उनका वोकल टोन, उनकी लाइक गाने का स्टाइल और मुझे पसंद है और वो खुद भी अच्छी हैं। और अच्छा बिल्लो बैजा कुछ सोचना 101 अपने, मेरा नाम इमरान अली मानी, मेरे साथ मौजूद उमेर अवान, लाइव एंड एक्सक्लूसिव पहली दफा रेडियो पाकिस्तान पे।
ਸਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਿਕ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ। तो जनाब एक मजे की चीज उमेर, आज हम ये भी करेंगे, हमेशा रेडियो पाकिस्तान पे एफएम पे लोग कॉल करते हैं, आज हम आपके उन पांच लोगों को कॉल करेंगे। एक बंदा तो सामने ही बैठा आपके, ठीक है, तो चार लोगों को हम कॉल करेंगे, कॉल पे लेंगे, लेकिन 11 बजे के बाद, 11:30 के बाद हम लोग उन चारों लोगों को कॉल पे लेंगे और उनसे पूछेंगे। वो भी पाकिस्तान के सुपर स्टार है सारे के सारे, बेहतरीन फैन फॉलोइंग। मैं बादशाह भी इंशाल्लाह हमारे साथ लाइव होंगे, मुदस्सिर वदूद भी हमारे साथ लाइव होंगे और मानी भाई भी हमारे साथ लाइव। मानी भी होगा, ठीक हो गया। वैसे मानी नहीं, आज तक किसी की मानी नहीं है, लेकिन लोग इसको मानी कहते हैं। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? बस मैं कहता हूँ, जो मानी भाई को समझ गया वो दुनिया को समझ गया। आए माँ सदके। अच्छा, मैं हमेशा कहता था जी कश्मीर के साथ मेरा अलग ही प्यार है, तो कश्मीर में देखे मेरे भाई जो है वो कब से मौजूद है, और मैं हमेशा सच कहता हूँ कि मेरा कश्मीर के साथ मोहब्बत है, और जितनी खुशी मुझे उमेर तुम्हारी इस कामयाबी पे हुई है, मेरा ख्याल है इससे पहले नहीं हुई। मतलब मेरी फिल्म आने पे मेरी इतनी खुशी नहीं थी जिस दिन मैंने तुम्हें ट्रेंडिंग में देखा और मैंने कहा वाह छा गए लड़के, बादल निकले, बरस जाओ जागे कहीं पे। तेरे कई फरना मंग दिया तेरी था पर मेरी तेरे विच वस दिए जा, गाना जद होंदा मेरा लॉन्च सोनिए जो सिंगर्स हैं आजकल वो सारे के सारे मशीनी सिंगर्स हैं, मतलब उनको लाइव गाना बड़ा मुश्किल होता है। सो उमेर जो था वो शुरू से लाइव गाता था या फिर सीखना पड़ा? जी मैंने काफ़ी मेहनत की है अपने वोकल की प्रैक्टिस के लिए, मेरे जो टीचर हैं उस्ताद शौकत मंजूर, और काफ़ी मैं मेहनत कर चुका अपने वोकल पे, तो मैं ज़रूर आपको कुछ अपना जो गाना क्यूट जी लुक है वो लाइव भी सुनाना चाहूँगा। अब हम जी उस तरफ जाएंगे जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार है। सो उमेर अवान जो है वो क्यूट जी लुक यहाँ पे हमें लाइव सुनाएंगे, अगले दो मिनट आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, तब तक आप लोग जो हैं इस गाने को एंजॉय कीजिए, और कश्मीर के लोग जितने भी हैं, जितने भी आर्मी के लोग हैं, जल्दी जल्दी पहुंचेंगे जी यूट्यूब के चैनल पे और वहां पे जाके उमेर अवान के गाने को लाइक करेंगे। और अगर आपको गाना पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। अच्छा उमेर, मेरे पास एक खास सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना तुम्हारी उम्र के बच्चे, मतलब अभी बहुत छोटी उम्र है, इस उम्र में बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जो कि पहुंचना चाहते हैं ट्रेंडिंग, सबका ड्रीम है कि ट्रेंडिंग में आ जाए, तो उनको क्या मशवरा दोगे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर वो एज अ आर्टिस्ट मार्केट में आना चाहते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ट्रेंडिंग में आना चाहते हैं, अपना काम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, सफ़र तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर वो इस यकीन के साथ मेहनत करते रहेंगे कि वो कुछ ना कुछ बन सकते हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह वो एक ना एक दिन पहुंचेंगे। मेरे ख्याल से उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। अच्छा, एक कश्मीर से निकल के यहाँ तक आना, ये वैसे हर बंदे का काम नहीं होता, बहुत सारी मैंने अच्छी अच्छी आवाज़ें कश्मीर से सुनी हैं, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं करते कि आएँ और आके मेहनत करें, मेहनत के बिना भी मिल जाता है कभी? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हर काम, कोई भी काम है वो मेहनत ज़रूर मांगता है, कोई भी काम है वो मेहनत जरूर मांगता है। सो पांच साल की मेहनत है इसके पीछे, इस गाने के पीछे। बिल्कुल, मैं गलत तो नहीं कह रहा, 5 साल ही जी? बिल्कुल 5 साल। और अगले 5 साल में कहां देख रहे हो उमेर अवान? अगले 5 साल में इंशाल्लाह आप लोग क्या मुझे ट्रेंडिंग में मिलोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप ट्रेंडिंग में ही देखेंगे। मुझसे पूछते तो मैं कहता मैं ट्रेंडिंग में मिलूंगा। मेरी मर गई मत आ हो। अच्छा, तो टिकटॉक पे भी मौजूद हो आप? जी मैं टिकटॉक, बहुत बहुत अच्छे अच्छे टिकटॉक आपने बनाए, ठीक है, और जो मेन 5-10 लोग हैं पाकिस्तान के उनमें भी तुम्हारा नाम आता है। सो ये क्या सोच के टिकटॉक की तरफ कैसे गए, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे जो है ना वो भी कर रहे हैं, तो उनको क्या मशवरा दोगे, टिकटॉक क्यों यूज करते थे? मेरे मुताबिक टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे वहाँ पे कोई भी हम अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं तो वो वायरल हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी म्यूजिक को टिकटॉक के प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुँचाऊँ।
तो उसका क्या रिस्पॉन्स था लोगों का? उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, उसी को देख के मैंने अपना गाना टिकटॉक बिलो जो है बनाया उसी पे के तेनू तक क्या मैं बिलो टिकटॉक थे मुंडा फैन हो तेरी कैटवॉक थे, तो इसी ट्रेंड को लेके मैं चला और लोगों ने इतना पसंद किया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर लोग उमेर अवान से राबता करना चाहते हो तो क्या क्या तरीका है, जरा जल्दी जल्दी बता दे ताकि लोग पहुंच जाएं। जो लोग मेरे से राबता करना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हैं, उमेर अवान ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसके अलावा टिकटॉक पे भी बता दे। अब टिकटॉक पे मेरा अकाउंट है उमेर अवान 007 के नाम से, वेरीफाइड अकाउंट होगा, वहाँ पे मुझे आप फॉलो कीजिए। अच्छा, अकाउंट वेरीफाइड होगा, मतलब आप तो उमेर के शशके ही अपने है ना। तो जनाब अब हम चलेंगे जी उमेर से लाइव गाना सुनेंगे, काफी देर होगी जी हमने म्यूजिक के साथ सुन लिया। सो उमेर जो है वो रेडी हो चुके हैं, सो जैसे ही सारी चीजें अपनी पोजीशन में आती है तो यकीन उमेर की आवाज आप तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। क्यूट जी लुक तेरी सोनी है, गब्बर उन्होंने तरोज मार दी, तक तेन अख मर जानी है, होंदी है बलिंक मेरी कार दी। क्यूट जी लुक तेरी सोनी है, गब्बर उन्होंने तरोज मार दी, तक तेन अख मर जानी है, होंदी है बलिंक मेरी कार दी। आजा बिलो बह जा कुछ सुन कुछ कह जा, आजा बिलो बह जा कुछ सुन कुछ कह जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, गल दस दांगे साढ़े प्यार दी। क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गब्बर उन्होंने तरोज मार दी, तक तेनू अख मर जानी है, होंदी है बलिक मेरी कार दी। क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गब्बर उन्होंने तरोज मार दी, तक तेनू अख मर जानी है, होंदी है बलिक मेरी कार दी। क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गब्बर उन्होंने तरोज मार दी, तक तेनू अख मर जानी है, होंदी है बलिंक मेरी कार दी। आजा बिलो बह जा कुछ सुन कुछ कह जा, आजा बिलो बह जा कुछ सुन कुछ कह जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, गल दस दांगे साढ़े प्यार दी। क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गब्बर उन्होंने तरोज मार दी, तक तेनू अख मर जानी है, होंदी है बलिंक मेरी कार दी। ये चीज मेरे हबीब जो होंदा मेरा लॉन्च सोनिए, टिकटॉकर अच कोई रहंदा ना पेशा, चल मजसूर में दी गल उते। रात के इस पहर जहां कोई नहीं जाता वहां हम जाते हैं जी, हमें कहते हैं 101। मेरा नाम इमरान अली मानी, बादशाह के से एक सॉन्ग ना लिखे जा, लिमिट नहीं रहने में। इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर मैम सदफ रानी। लुक तेरी सोनिए, गब्बर नु नित रोज मार दी, तक तेनु अख मर जानिए, होंदी है बलिक मेरी कार दी। क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गब्बर नु नित रोज मार दी, तक तेनु अख मर जानिए, होंदी है बलिक मेरी कार दी। उमेर अवान जबरदस्त आला, बहुत ही खूबसूरत। मैं कह रहा था, मैं माइक में यहाँ पे हेडफोन से सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि ये गाना मैं इधर ही सुन रहा हूँ जो म्यूजिक के साथ। बहुत ही खूबसूरत गाया आपने, वोकल काफी पक्का कर लिया आपने जी, काफी मेहनत की है तो उसका अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा। तो मतलब क्या करते थे ऐसे, खास क्या चीज करनी चाहिए सिंगर्स को कि अपना वोकल ठीक कर सके? सबसे पहले आपको उसके लिए हारमोनियम के साथ आपको प्रॉपर उसके लेसन्स चाहिए, जो राग हैं उनके ऊपर आपको रियाजत करनी पड़ती है एक अच्छे वोकल। अच्छा, रियाज करना आज भी जरूरी है? हाँ, अगर बंदा फ्याज कर ले तो फ्याज करेंगे तो फिर तो कुछ और ही बन जाएगा। अच्छा, मैंने कहा रियाज के साथ ही काम चलना है, ठीक है। कुछ कह जाए नहीं जी, फ्याज नहीं चलेगा जी। कुछ कह जाए। अच्छा, तो मुझे ये बताओ आगे पाइपलाइन में कितने प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जो कि कितने टाइम में अगला नया गाना क्यूट जी लुक के बाद कौन सा गाना आने वाला है? जी इंशाल्लाह, मेरा जो नेक्स्ट ट्रैक है उसका नाम है तकदीया, और वो आने वाला है इंशाल्लाह जल्द। उसका शूट तकदीया। अच्छा, मतलब क्यूट जी लुक तकदीया गल की है, फायदा सोना।
से रास्ते मतलब ये कौन कौन लिख के देता है तुम्हें? हाँ, लिखने से याद आया कि जो मेरे गाने लिखते हैं उनका नाम है मंच सूरमा, जो कि बेसिकली तो वो इंडिया से फैसलाबाद से, बहुत ही खूबसूरत राइटर, फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, और मेरे ख्याल से उनके बगैर तो मुझे कोई अच्छी कंपोजिशन नहीं मिल पाएगी पाकिस्तान में। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो ये जो हमारे पंजाबी सिख वाले जो पंजाबी बोलते हैं वो बिल्कुल अलग है, इस गाने में भी आपने उसी को टच दिया, वही टच था आपका, तो ये मुश्किल नहीं हुई कश्मीर के बंदे के लिए उस तरह की पंजाबी बोलना? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में जिस जॉनरे पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह के सॉन्ग मैं गाता हूँ, वैसे कोई वैसे सॉन्ग कोई भी नहीं बना रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इंडिया में, यूके में, दुबई में सब सिंगर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्यों ना मैं ही इस जॉनरे पे काम करूँ। नहीं, जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं कैसा रिस्पांस रहा आवाम का, मीडिया के लोगों का, दोस्तों का, खासतौर पे मैं बहुत सारे मेरे अजीज दोस्त आर्टिस्ट उन्होंने आपको कॉल की, अली जफर ने आपको कॉल करके मुबारक दी, क्या नाम है, बिलाल सईद ने आपको मुबारकबाद दी, इसी तरह बाकी जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने, कैसा लग रहा था जब मतलब एक वक्त था कि उनके गाने सुना करते थे, लेट के सोचते थे ऐसा बन जाएंगे, और अचानक से उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया? जी बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई कि शौक किसकी, किसके मैसेज पे शौक हुआ था? मैं तो बस जो है हमारे काफी आयमा बेग के अलावा फलक शबीर हैं, उन्होंने जब मेरे प्रोफाइल विजिट की तो मुझे नोटिफिकेशन आया, तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन बस ये कि मेहनत इंसान की रंग ले आती है और किसी भी मुकाम पे पहुंचा देती है। अच्छा, तुम्हारे इस गाने के ऊपर टिकटॉक इंडिया में भी बने, पाकिस्तान में भी बने? जी, इंडिया के जितने बड़े मॉडल्स हैं उन्होंने भी मेरे सॉन्ग पे टिकटॉक बनाया और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया इंडिया की तरफ से भी। ठीक है, दुबई में तो वैसे भी इंडस्ट्री जो है वो कंबाइन काम करती है जी, तो कैसा माहौल देखते हो वहाँ पे जब जाते हो? वहाँ पे तो कुछ ऐसी सूरत हाल होती है, जितने भी लोग हैं वो, मैं सबके लिए कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे ममालिक हैं सब लोग प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा हब है जहाँ पे जितने भी ममालिक से कंट्रीज आए हैं वो सब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं मीडिया में, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मैटर नहीं करती। ठीक हो गया, मतलब आपको लगता है कि वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती है, तो वहाँ पे खुद को कश्मीर का इंट्रोड्यूस करवाते हो हर जगह पे? जी बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले मेरी यही होता कि मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम कश्मीर, मुजफ्फराबाद, और अच्छा, कश्मीर मुजफ्फराबाद में लोग सुन रहे हैं, यकीनन आपकी अम्मा भी सुन रही होंगी। जी बिल्कुल। तो क्या कहो कि अम्मा से आज स्टार बन गए हो? तो बस मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, और एक तो मेरी मेहनत है, सबसे पहले मेरी जो है वो माँ की दुआएं हैं जिनके बगैर ये कामयाबी मुमकिन ना थी, और उनकी दुआएं ही हैं जो मुझे इस मुकाम तक लेकर आई। अच्छा, आपके वालिद साहब का भी ताल्लुक जो है वो इसी इंडस्ट्री से था, यानी कि टीवी इंडस्ट्री से था, तो घर में तो माहौल बना हुआ था? जी बिल्कुल, जो मेरे फादर हैं वो एक्टर हैं, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री के लिए उन्होंने काफी काम किया, फिल्म्स में भी काफी उन्होंने काम किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, अंकल को मैं तो खैर बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं सुनने वालों को ये बात पहुँचाना चाह रहा था, क्योंकि कश्मीर इस टाइम पे कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि कश्मीर का लड़का जो है वो ट्रेंडिंग में मौजूद है, और जनाब आप लोगों के वहाँ पे जाके शेयर करना, वहाँ पे कमेंट करना, वहाँ पे लाइक करना, इसकी वीडियो को देखना, इसको वहीं पे बरकरार रखने के मुतरादिफ है, यानी कि आप सबकी सपोर्ट चाहिए उमैर अवान को, ताकि ये दुनिया को बता सके। जी जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा इस वक्त जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो अभी YouTube पे जाएं, क्यूट जे लुक मेरे गाने पे मेरे नाम के साथ कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि कश्मीर में कौन कौन मुझसे प्यार करता है। ये चीज सो कश्मीरियों का प्यार देखना हमने। खाली लुक नहीं तेरी देखी। आज का प्रोग्राम स्पेशल कश्मीरियों के लिए हो गया वैसे है उमैर, मैं काफी दिन से सोच रहा था कश्मीर के लिए प्रोग्राम नहीं हुआ, तो ये जो इंटरव्यू था ये कश्मीर के लिए हो गया। सो कराची में कैसा प्यार मिला? कराची में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, क्या रिस्पांस था कराची इंडस्ट्री का? कराची इंडस्ट्री में जितने लोग थे, एक्ट्रेस वगैरह थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई रिसेंटली, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और आगे भी ये कि इंशाल्लाह इस मुकाम को मैं बरकरार रखूंगा। अच्छा, तो अगर बहुत सारे लोग आपको देखना चाहते हैं तो उनको बताएं मॉर्निंग शोज आप कर रहे हैं अभी? जी आगे मैं मॉर्निंग शोज कर रहा हूँ, उसकी अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे वो फॉलो करें, उमैर अवान ऑफिशियल के नाम से मतलब अकाउंट है। कोई भी चीज आएगी तो आप सबसे पहले इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं? जी बिल्कुल, मतलब सोते भी नहीं है, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं। कौन लोग हो तुसी? और ये जी उमैर अवान थे जी हमारे साथ, अभी तक साथ है वैसे उमैर। वैसे ये जो इंस्टाग्राम, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें नहीं यूज करनी चाहिए एप्लीकेशंस, ये वो, सक्सेस में, आजकल की सक्सेस में इनका कितना बड़ा हाथ है?
जी, आजकल की सक्सेस में सबसे पहले सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा हाथ है और बहुत सारे लोगों के बिजनेस हैं, बहुत सारे लोगों के काम हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू किए जा रहे हैं, ऑनलाइन किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब तो सोशल मीडिया का ही दौर है, इसके बगैर तो अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक हो गया, अगर मैं लड़के की बात करूँ, कोलैबोरेशन करनी हो पाकिस्तान के अंदर, तो किसके साथ करोगे? लड़के के साथ तो मैं किसी के साथ नहीं, पहली तो तुमने लड़के के साथ ही की थी। नहीं, वो तो चले, हम आपस में बहुत गहरे भाइयों की तरह हम दोस्त हैं, हम तो तकरीबन 7 साल से इकट्ठे काम कर रहे थे। अच्छा, तो मैं हनी राज की बात कर रहा हूं। जी जी। अच्छा, तो ये क्या आइडिया था कि मतलब गाना तुमने गाया इतना जबरदस्त गाना, तो फिर वो क्या नाम है नदीम नानी वाला, फिर अली हैदराबादी, इनको वीडियो में लिया आपने? जी, ये था कि टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे उन लोगों की हाइप ज़्यादा थी और मैंने सोचा क्यों ना इनको भी अपनी टीम का हिस्सा बनाया जाए, और ताकि गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। मतलब आप बेसिकली चाह रहे थे कि गाना जितना ज़्यादा आगे जा सके। लेकिन आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। आप जाइए और वीडियो देखिए, और 11 बजे के बाद आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो जनाब अभी हम चलेंगे जी एक अदर न्यूज़ ब्रेक की जाने, वापसी होगी तो फिर आप लोगों से गपशप होगी। डॉलरां दी तेरे उत्ते कर दूंगा छां। सुनते रहिए 101, सुनते रहिए क्यूट जे लुक। मेरा नाम इमरान अली मानी है और मेरे साथ मौजूद है जी उमेर अवान। डॉलरां दी तेरे उत्ते कर दूंगा छां, बिग बॉय टॉय तेरी गड्डी सोनी है, पहला ही मंगा ली मैं करोनी तेरे नाम। लव डोज दे जा थोड़ी लव डोज ले जा, लव डोज दे जा थोड़ी लव डोज ले जा, एक बारी सोनी है तू डोली मेरी पै जा, एक बारी सोनी है तू डोली मेरी पै जा, तेरे नाम मिला दूं हर सानी, क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गब्बर नित रोज मार दी तक तेनू अख मर जानी है। खाली लुक नहीं तेरी, तेरी देखी सीरत, देख के तुझको मेरी मर गई मत, आ हो जाए तू मैली जो लगाऊं हाथ तुझे पा लूंगा हर कीमत पर, आ लेके आया तेरे लिए कार सनरूफ, प्यार तुझे करता मैं दूंगा प्रूफ, सादगी को मेरी दीवाना बन समझ मत, समझियो मुझे मेरी जान बेवकूफ। तेरी था पर मेरी तेरे विच वस दिए जा, नाला जदो होना मेरा लॉन्च सोनिए, टिकटॉकर च कोई रहंदा ना पेशा, चल मंजसूर में दी गल उते रह जा, चल मंजसूर में दी गल उते रह जा, बादशाह दे किसे इक सोंग ना लिखे जा, बादशाह दे किसे इक सोंग ना लिखे जा, लिमिट नी रहनी मेरे चादी, क्यूट जेही लुक तेरी सोनिए, गब्बरू नू नित रोज मार दी तक तेनू अख मर जानी है। आंदी है बलिक मेरी कार दी, क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गब्बरू नू नित रोज मार दी तक तेनू अख मर जानी है। आंदी है बलिक मेरी कार दी, तरबियत की रेडियो पाकिस्तान रहा है हमेशा पेश पेश। वो कोई भी कुदरती आफत या फिर नामजाइद हालात, हमने बताया, हमने सुनाया और हमने पढ़ाया। हमेशा की तरह आज भी रेडियो पाकिस्तान दोहराएगा अपनी रिवायात को, सवारेंगे अपने मुल्क को, अपने मुस्तकबिल को रेडियो स्कूल के जरिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम उर्दू क्लास 2 से कुछ लाइंस को पढ़ना सीखेंगे। विजारते इत्तला'आत और अशरियात और विफाकी विजारते तालीम और पेशावराना तरबियत की मुश्तरिका काविश से रेडियो पाकिस्तान पर सुनिए रोजाना सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक Radio School. The topic that we are going to discuss today is effects of pollution. Programs ki tafseelat aur frequency janne ke liye visit kijiye radio.gov.pk ya phir official radio app Radio Pakistan Official. Radio Pakistan. Jadid technology ke daur mein bhi aapke saath saath. I'm gonna make you mine.
अपना चांद सितारा है, देखो कल हमारा है, देखो कल हमारा है। आयशा ये ट्यून सुनो, बताओ किसकी है। ठीक है, ये फेयर एंड लवली की। फिर से सुनो। 100% फेयर एंड लवली की है ना। तो ये ग्लो एंड लवली की ट्यून है। कैसे? क्योंकि फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। अब हर चेहरा करे ग्लो। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमा। आप सुन रहे हैं FM 101। क्यूट जी लुक तेरी सोनी है, गबर नित रोज मार दी, तक तेन अख मर जानी है, होंदी है बलिंक मेरी कार दी। क्यूट जी लुक तेरी सोनी है, गबर नित रोज मार दी, तक तेन अख मर जानी है, होंदी है बलिंक मेरी कार दी। आजा बिल्लो बैजा कुछ सुन कुछ कह जा, आजा बिल्लो बैजा कुछ सुन कुछ कह जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, गल दस दांगे साडे प्यार दी। क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गबरू नू नित रोज मार दी, तक तेनू अख मर जानी है, आउंदी है बलिक मेरी कार दी। Listeners, welcome back. तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुश आमदीद। जी आयनुम आपका होस्ट दोस्त जिगजानी यानी के डीजे मानी, लाइव फ्रॉम द वेरी कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड इस्लामाबाद। सो जनाब आज हमारे साथ पाकिस्तान के सुपरस्टार उमेर अवान मौजूद हैं। सो उमेर से हम गपशप भी लगा रहे हैं और साथ जनाब अब आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला भी हम लोग 101 पे शुरू करेंगे। और 1111 हमसे रابطے का नंबर यानी 1100101 रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड, और पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। 0092511111 मुझसे रابطے का नंबर, उमेर अवान से रابطے का नंबर। मेरी मर गई मत आ हो जाए। सो जनाब आज कश्मीर वाले जो है वो अपनी मोहब्बत दिखा सकते हैं जी। कश्मीर का स्टार, पाकिस्तान का स्टार मेरे साथ मौजूद है 101 के स्टूडियोज में। मैं दूंगा प्रूफ सादगी को मेरी, दीवाना बन समझ मत समझियो मुझे मेरी जान बेवकूफ। सो जनाब पहला सवाल कौन करेगा उमेर अवान से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मानी भाई, मैं जुनेश और ब्लाइंड, क्या हाल है जनाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या कहना चाहोगे? जी वालेकुम सलाम। जी सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? ठीक है जनाब आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बहुत शुक्रिया जनाब आपने मेरे से बात की। मैं ब्लाइंड हूँ जनाब, मुझे भी सिंगिंग के शौक है, आप मुझे भी बताएं कि मैं क्या करूँ जनाब। सर आपको तो बस ये कि अच्छा कोई गाना बनाना चाहिए और उसको जल्द से जल्द मार्केट में लाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन जनाब, बहुत सारे लोग छोटे छोटे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मनी भाई, मैं अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। एहसन लाहौर से? जी एहसन क्या सवाल है आपका? अहमद लाहौर से क्या कहना चाहोगे अहमद? जी मैं पहले तो उमेर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो उमेर भाई आपको। जी भाई खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा उमेर 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 का गाना जाके आपने यूट्यूब पे सुना है अभी? जी मैंने सुना, उसकी वीडियो भी देखी है, उसको लाइव भी मैंने। तो कैसी कैसी लगी ये वीडियो?
वीडियो बहुत अच्छी लगी है मुझे। चलें, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे जी। वालेकुम अस्सलाम। अब आपकी कॉल्स को ना उमेर ही इंटरटेन करेगा, मैं आपका किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जी उमेर, आप जाने और आपके आज उमेर के फैंस आ रहे हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसले ने पूछना था, ये जो हमारी कॉल चली गई जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कई लोग जो होते हैं ना वो इतने एक्साइटेड होते हैं, हैंड फ्री लगा के कॉल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। साइमा बात कर रही हूँ, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। साइमा, उमेर हमारे साथ मौजूद है, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मुझे तो इनके दोनों गाने अच्छे लगे। वानी भाई, गेस्ट ये भी पूछते हैं कि उसकी पसंद नापसंद क्या है। किसकी? गेस्ट जो भी आते हैं ना उसे, उसकी पसंद नापसंद भी पूछी। उसे पसंद बहुत सारी चीजें, नापसंद सिर्फ आप है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मजीद कॉलर्स की जानिब जाएंगे। उमेर से कोई सवाल है तो वो कॉल करे, बेवजह सवाल कॉल मत करे। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी कॉल मिल चुकी है और यहाँ पे मेरा ख्याल है कॉल्स का इतना लोड हो चुका है कि कॉल्स ड्रॉप होना शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र जी, कौन कहाँ से? चीकू फ्रॉम लाहौर। चीकू लाहौर, उमेर से क्या कहना चाहोगे? उमेर का गाना मैंने सुना है, बहुत जबरदस्त, क्यूट जी, लुक तेरी सोनी है, लाहौर के गबरू जो है मर गए या नहीं मरे? अच्छा, बस अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। फ्यूचर के लिए अभी तक कश्मीर से कॉल ज्यादा शुरू नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, अरशद राही दयालगढ़ फैसलाबाद। मैं ये पूछना चाहूंगा मैर नु, जे इन्हां नु बचपन दे विच शौक सी जां किसे दे पिछे शौक कीता वा इन्हां ने गुरुवारी? जी जी, मुझे बचपन से ही शौक था भाई जान, और बचपन तो खराब जी। मैं तो मन मन दे शुक्रिया अदा करना कि जेड़े मैर नु एडे गुनाहगार नु बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, फैसलाबाद से आपने कॉल कर दी। जी जी, क्या सवाल है आपके पास? मैंने पूछना था ये जो हमारी ड्रामे देखने वाली कौम है, इनके एतराज से कैसे बच गए हैं? ये बहुत एतराज करते हैं खासतौर पे लड़कों पे। अच्छा, ड्रामे वाले जो है वो लड़कों पे एतराज करते हैं, कुछ सवाल समझ नहीं आया। असल में मसला पता क्या है? अच्छा, हमारे ये लोग देखते हैं ड्रामा ज्यादा, गाने अच्छा, वगैरह की तरफ तवज्जो नहीं है। नहीं, सियालकोट में कम देखते हैं, बाकी दुनिया में गाने ही देखते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। सवाल आपका कोई नहीं है जनाब। 1111-0101 मुझसे रब्ते का नंबर, मारा नाम माननी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या है? अल्लाह का शुक्र, कौन कहाँ से? जी काशिफ वासी बात कर रहा हूँ। काशिफ जनाब, कैसे आप? ठीक ठाक, शुक्र। क्या कहना चाहोगे? जल्दी जल्दी बोलेंगे, जो बोलना है। उमेर हमारे साथ मौजूद है, कुछ सवाल है। उमेर सर से ये सवाल है कि मैं टिकटॉक को फॉलो करता हूँ, मैं खुद भी यूज करता हूँ, उनसे मेरा ये सवाल है कि जो नदीम नानी वाले और अली हैदराबादी को आपने लिया था, बाद में इन्होंने टिकटॉक पे बहुत इशू बनाया है कि अली हैदराबादी कह रहा था कि इतना सा लिया है, और उन्होंने ये सब फेक था फेम हासिल करने के लिए, या ये रियल चीजें हैं ये? नहीं नहीं यार, मैंने उन्हें गाने में जितना जिसका पार्ट बनता था उतना मैंने उस गाने में उन्हें लिया है, और अब ये कि वो तो बाद में सब सियासी बयानी होते हैं। अच्छा, ये भी पब्लिसिटी स्टंट होता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे मैं भी ये पूछ रहा था, मुझे भी यही लगा था कि ये स्टंट है, फिर वो बाद में लंदन भी चले गए मेरे ख्याल से एक साथ। लंदन वो कैसे गया है? ऐसे ही गया है ना। चले, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मजीद कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज आ रही है, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है, जगह चेंज करो। नहीं आ रही भाईजान, आप दोबारा कॉल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। और ये कॉल्स ड्रॉप होना शुरू हो चुकी हैं जनाब, हमारी इस्तेताअत से ज्यादा कॉल आना शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे ताकि आपकी आवाज सुन सके आप। मैं सोफिया बात कर रही हूँ, पिशावर से। सोफिया, अच्छा ये कश्मीर से है, पिशावर से कॉल कर रही है, क्या कहना चाहेंगी उमेर से? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मुबारकबाद देना चाहूंगी कि कश्मीर से एक आदमी ने सुपरस्टार बन गया। आई एम सो हैप्पी। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
मेरा ख्याल है ये कॉल सबसे भारी रही है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मैंने कहा कश्मीरियों को बहुत खुशी है कॉल मिलना मेरे शो में, जरा मसला होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कई लोग बेवजह कॉल कर लेते हैं जिनको पता ही नहीं होता बात क्या करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? जी नजीब बात कर रहा हूँ। नजी इस्लाम आबाद से। नजी क्या कहना चाहोगे उमेर से? जी वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये सवाल है कि कोई भी मतलब सिंगर है या कोई भी एक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है ना, मतलब अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है, तो फिर रिवार्ड होना ना आना वो तो बाकी है। कभी है कि आप कंट्रीब्यूट करें तो ये सोचिए कि अगर मेरे सॉन्ग सिलेक्शन के बाद अगर रिवार्ड ना आया तो मेरी यहाँ पे मेरा सिस्टम चौप हो जाएगा। जी ब्रदर, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कंपोजिशन बनाते हैं तो लाजिम है आप स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है, सबसे पहले उसकी कंपोजिशन, फिर उसका म्यूज़िक, फिर उसकी वीडियो प्रोडक्शन, फिर उसकी एडिटिंग, फिर सबसे बड़ी बात उसकी मार्केटिंग। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको उसका फल लाजमी दे। चले जी नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, 15 मिनट मजीद है जी आपकी कॉल्स के, और उसके बाद हम उन चार लोगों को कॉल पे लेंगे जो कि उमेर की कामयाबी में जिनका हाथ था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपने सोते सोते कॉल कर ली है, जितने लोग कॉल करेंगे सारे के सारे अगर आप फ्रेश है तो कॉल करें। मेरी बहन बात कर लें, क्या सवाल है आपका? अच्छा कई दफा कॉल करने के बाद इनका कन फ्यूज हो जाता है, कन जो है वो फ्यूज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मनी भाई, स्किल बड़ी बात कर रहा हूं। जनाब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूं। अच्छा तो क्या कहना चाहोगे उमेर से? उमेर भाई बात करवा दे। जी करवा देते हैं उमेर जी। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या है ब्रो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे? आपको बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे सॉन्ग गाए। थैंक यू सो मच। अच्छा कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज पाकिस्तान की आवाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र, अपनी सुनाए। अल्लाह का शुक्र है, मैं बीमार हूँ थोड़ा, थोड़े दिन पहले मेरे भाई काशिफ वाकी ने कॉल की थी, वो मेरे नंबर से। तो भाईजान आप आप बीमार है तो हॉस्पिटल जाए ना, 101 पे क्यों आ गए आप? अच्छा तो उमेर से क्या, उमेर से क्या सवाल है आज? उमेर से बात करेंगे, जल्दी जल्दी टाइम नहीं है, लंबा काम नहीं करेंगे। उमेर से मेरा ये सवाल है कि भाई ये जो आपने गाना बनाया इतना अच्छा गाया और ये इतना हिट भी हुआ है, इसके पीछे कितना ये खर्चा हुआ, ये किसने किया है? खर्चा किसने किया है सवाल तो अब आया है। जी बस ये हमारा टीम वर्क होता है, हमारी एक टीम होती है जो जो चंदा इकट्ठा करती है। अच्छा जो हमारा टीम वर्क होता है, जो टीम है वो इसके ऊपर स्पॉन्सर्स लेती है और स्पॉन्सर्स के थ्रू काम किया जाता है। हम सारे के सारे एनजीओ के बाहर बैठ के चंदा। ये चीज एक बार सोनी है तो डोली अगले कॉलर्स को भी साथ लेंगे। उमेर आज उमेर इंटरटेन करेंगे, डीजे मानी की जगह पे उमेर बोलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हेलो क्या मसला है आप लोगों के साथ? अगर नहीं बात करनी है आप तो कॉल ही मत करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहाँ से? जी क्या सवाल है उमेर से? मैंने तो वैसे दो तीन सवाल पूछने थे, बट एक जो छोटा सा सवाल है वो ये है कि जब इस फील्ड में आए तो ऐसा कौन सा वाक्य था छोटा सा या बुरा जिससे लगा उनको कि इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था इनको? ऐसा तो खैर मेरी लाइफ में कोई ऐसा वाक्य नहीं था जो मुझे लगे कि मुझे इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे मेरी काफी मेहनत थी तो मैं कैसे इस फील्ड से जा सकता हूँ। इसके अलावा कुछ सवाल? इसके अलावा ये था कि इंस्पिरेशन नहीं समझ आया। मैंने कहा किन से इंस्पिरेशन हासिल की? क्वालिफिकेशन इंस्पिरेशन जी इंस्पिरेशन ऑब्वियसली जितने हमारे जो सिंगर्स हैं जो काम कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में पाकिस्तान की, उन्हें मैं देखता था, मैं सुनता था उन्हें। अगर पाकिस्तान के एक सवाल मेरे पास भी, अगर पाकिस्तान के तीन टॉप के लोगों का नाम लो सिंगिंग में तो कौन कौन से तुम्हारी लिस्ट में कौन आता? मेरी लिस्ट में आतिफ असलम है और सेकेंड नंबर पे जो है वो
मैं पाकिस्तानी जो देखा जाए तो राहत है, और थर्ड पे मैं खुद ही हूँ। ये चीज मेरे हबीब और ये उमर अवान थर्ड पे खुद को ही फील कर रहा है। मैं से अभी तो पहले नंबर पे हूँ। राहत राहत कहीं पे भी नहीं है ट्रेंडिंग में, बिल्कुल ऐसा ही। आतिफ भी नहीं है, बस देख मैं फिर उमर अवान इन द हाउस। यस, सो नंबर तीन जो था वो नंबर वन है आज। सो जनाब आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी है 101 पे। मेरा नाम मानी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? क्या रावला कोट आजाद कश्मीर से? कश्मीर से कॉल आ गई है उमर जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी। क्या पूछना चाहेंगे आप? जी क्या पूछना चाहेंगे? बस ऐसे ही मैं चाहूंगा, आमीन। बस ऐसा मैं चाहूंगा कि आप लोग हमेशा मुझे इतना प्यार दें, इतनी दुआएं करते रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। और जनाब मिस्टर टू टू आ गए हैं जी, ये रेगुलर कॉलर है, हर शो में पहुंचते हैं। बंदा पहुंचे ना पहुंचे, टू 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 पहुंच जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी। कौन कहाँ से? सदाम अब्बासी इस्लामाबाद। सदाम अब्बासी, क्या सवाल है उमर से जल्दी से? उमर भैया तो ये सवाल है कि किससे इंस्पायर होकर मतलब इन्होंने म्यूजिक में कदम रखा? भाई मैंने अपने आप से इंस्पायर होके। अच्छा, वैसे 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 कदम नहीं रखा, इस चारपाई लेके आया था कश्मीर से। टिकटॉक से कदम रखा ना मानी भाई इन्होंने। नहीं ब्रदर, टिकटॉक की एप्लीकेशन आने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ सिंगर काम मतलब कर मैं बता रहा हूँ कि पहली दफा कश्मीर से ये जब आया था 2015 में, तो मेरी इससे पहली मुलाकात थी। कल भी हम रात को वही तस्वीर देख रहे थे साथ बैठ के, बिल्कुल छोटा सा 17-18 साल उम्र होगी ऐसे ही है उस टाइम पे तुम्हारी, और लगते मेरा ख्याल है 14-15 के थे। बिल्कुल अभी ऐसे ही है, माशाल्लाह ग्रेट वर्क मानी भाई, और अल्लाह पाक इनको ऐसे स्नैप करे। मैं तो कह रही इनके नेबर से हूँ ना, मरी से। अच्छा, तो मरी तो कश्मीर से नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया भाईजान, ऐसे ही हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू जी। आज उमर अवान मौजूद है, एक वक्त आएगा आप सोचेंगे इस तरह उमर जो था वो 101 पे मौजूद था, हम सवाल नहीं कर सके। सो आइए और सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मनी भाई, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी, स्किल बटी बात कर रहा हूँ जी। हुक्म कर रहे हैं, उमर मौजूद है जी। ब्रदर मैं भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे सॉन्ग किए हैं, और मेरी दिलों से दुआएं कि आप ऐसे ही कामयाब हो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए। और पट्टी साहब ठीक हो तुसी? जी जी इमरान भाई आप ठीक हैं? आप सुनाए कैसे? मैं पूछना है ऐसी क्यों ठीक हो? अच्छा मानी भाई, मेरे कजन आपको सुना मेरी तरफ से हाय बोल रहे हैं। जो भी सुन रहे हैं उसको मेरी तरफ से हाँ हाय। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी मनी भाई, मैं गणेश अगेन। भाईजान दो दफा क्यों आए आप माजरत के साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मानी भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? मलिक आसिफ नाज पाकिस्तान आर्मी। मलिक आसिफ पाकिस्तान आर्मी से, जनाब क्या कहना चाहेंगे? उमर मौजूद है हमारे साथ आज भाई, उमर के लिए हमारी दुआएं हैं ठीक है, और अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, आर्मी इनके साथ है ठीक है, तो हम इनके गाने वगैरह सुनते हैं। आर्मी आपके साथ है सर। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपके इतने प्यार के लिए, और मैं मुझे भी फखर है कि आप आर्मी के जितने लोग हैं वो भी मेरे सपोर्टिव हैं। थैंक यू सो मच। के साथ होते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है ना पानी भाई हैं, मतलब इनको भी लंबी जिंदगी दे, ये हमारा दिल इन्होंने जीत भी है। थैंक यू सो मच ब्रदर, ये खुशियां बटोरते हैं FM 101 पर, अपना एक कम चैनल है। थैंक यू सो मच मलिक साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह ऐसे ही बेहतरीन गाने लेके उमर जो है 101 पे आता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन कहाँ से? हाफिज मोहम्मद समीउल्लाह, पाक आर्मी डिस्ट्रिक्ट मंडी। पाकिस्तान आर्मी से एक और कॉल पहुंची है जी, क्या कहना चाहेंगे? उमर मौजूद है हमारे साथ, सवाल पूछिए आप। आपने पूछना है उमर से कुछ सवाल पूछना है तो लगता है जी समी साहब जो है ना वो उनका भी कन थोड़ा फ्यूज है, जब भी स्टार को देख लेता बंदा थोड़ा बहुत तो ऐसा होता है। आज तो वैसे उमर मुझे भी लग रहा है मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊं। जी कॉल मिल गई है ना, हमने आपसे बात ही नहीं करनी, पर मैंने बात करनी है, मैंने आज बैलेंस स्पेशल करवाया आपसे बात करने। अच्छा, के लिए बात करने के लिए स्पेशल बैलेंस करवाया? वैसे जो है वो बैलेंस नहीं होता। हेलो, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बात कर, मैं प्यारा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी प्यारी हूँ, थोड़ी थोड़ी आपसे कम हूँ। अच्छा थोड़ी कम है, तो क्या सवाल है उमर के साथ?
सबसे पहले उनको कंग्रेचुलेशन और उनका सॉन्ग जितना हिट जा रहा है मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और दुआएं कि आगे हमेशा इसी तरह उनको कामयाबी मिलती रहे। और मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर क्योंकि आजकल टिकटॉकर्स बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं तो उनको क्या लगता है कि अगर वो टिकटॉकर्स को ना लेते कोई और बंदा इस सॉन्ग के लिए होता तो क्या फिर भी सॉन्ग इतना ही फेमस होता? जी बिल्कुल, क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा था, इतना कैची था, तो लोग फिर भी उसे इतना ही प्यार देते। नहीं उमेर को मैंने कहा था मुझे ले ले, नहीं लिया इसने। मानी भाई आप अभी टिकटॉक पे आए ना, आप लेट हो गए। नहीं नहीं, आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही होता है, बेशक लेट आए या जल्दी आए, होता वो आर्टिस्ट ही है। ऐसे ही है। चले थैंक यू सो मच, आपके आपके सवाल ज्यादा हो गए। ओके मानी भाई, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मानी भाई यहाँ पे सनी बात कर रहा हूँ, कॉल कट गई थी। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मैं उमेर भाई से ये सवाल पूछूंगा कि जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया था, यानी कि दो बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, उन बम जो उनसे गिराए हैं उनका नाम क्या है वो बता दें मुझे। यार एक्चुअली मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। नाम बता देने जी, एक का नाम समी था, एक का नाम बात एक नाम हाफिज था, एक का नाम समीत। थैंक यू सो मच जावेद साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब असद शकील बोल रहा हूँ अड्डा से। असद शकील साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा उमेर भाई को कि अल्लाह ताला इनको हासद की नजर से बचाए, माशाल्लाह आमीन, हमारे मुल्क का सरमाया है। थैंक यू सो मच ब्रदर। अल्लाह ताला इनको ऐसा दरख्त बनाए, ऊंचा दरख्त ना बनाए, बड़ा दरख्त बनाए। ऊंचा जितना दरख्त ऊंचा होता है उतना ही उसका साया कम होता है, और जितना बड़ा होता है उतना ही वो जनाब दूसरों को फायदा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इनके लिए दुआ दो है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे बड़े गुरुकारों में इनका सफाए अव्वल में आमीन। सर जी बड़े 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 असद शकील साहब बड़े बड़े बुर्ज गिरा के ये बंदा यहाँ तक पहुँचे है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमें इसके ऊपर फखर है, हमें इसके ऊपर नाज है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम, सोते सोते कॉल नहीं करनी, मैंने पहले भी कहा है। भाई क्या रहे, कैसे आप? बस ऐसे मुफ्त में रोमांटिक आवाज बनाने की कोशिश कर रही थी आप। हेलो जनाब, कौन कहाँ से आप बात कर रही है? आसमा क्या कहना चाहेंगी? उमेर हमारे साथ मौजूद है। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई है इसको जिंदगी से, जिससे अल्लाह कामयाबियां दे, इसी तरह अल्लाह ताला इसे मजीद आके कदम कदम कामयाब। आमीन। थैंक यू सो मच। सही वैसे आज आपने फूफी ताइयों मासियों वाली दुआएं दी है इसको। अच्छा थैंक यू सो मच, आपने पेशावर से कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनको शामिल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम, मानी कैसे? मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, कौन कहाँ से? अक्सा फार्म मरी से। अक्सा ने मरी से कॉल की है लेकिन जिंदा है। अच्छा तो जी जी, क्या कहना चाहोगे? माशाल्लाह उमेर का बस में बहुत बहुत खुशी हुई है, उसको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अल्लाह पाक इनको बहुत कामयाब करे और अल्लाह कदम कदम पे इनको इतनी कामयाबियां अता दे कि बस ये अपने मुल्क के लिए अपना नाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो मेरा ख्याल है अब मान जाओगे तुम सुपरस्टार हो। मान गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहां से? मलिक हरिपुर। कौन बात कर रहे हैं? मलिक हमजा फ्रॉम हरिपुर। मलिक हमजा हरिपुर से क्या कहना चाहोगे मलिक? सबसे पहले तो मैं उमेर भाई को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपना नाम रोशन करने के लिए इतनी जद्दोजहद की है। थैंक यू सो मच ब्रदर। और वैसे वाकई पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन है, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया के लोग भी हर बंदा जोर लगा रहा है ट्रेंडिंग में नंबर वन पे जाने के लिए, और वहाँ पे उमेर अवान जो था पूरे 6 दिन कब्जा करके बैठा रहा। इंशाल्लाह ब्रदर, दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। लव यू। ठीक है सर, अस्सलाम। अच्छा लड़के को लव यू कह दिया, आज तक मुझे नहीं कहा। ऑल माय फैन। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल ठीक हूँ, क्या कहना चाहोगे? उमेर मौजूद है हमारे साथ जी।
उमर को बहुत सारा खुशामदीद FM 101 के चैनल पर और पाकिस्तान का नाम ये जो है रोशन कर रहे हैं, उसी तरह रोशन करते रहे। और मेरा पहला सवाल से ये है कि जो है फास्ट म्यूजिक के साथ साथ सैड म्यूजिक भी क्या करने का इरादा है, और इसके अलावा दूसरा सवाल मेरा ये है कि फर्स्ट टाइम में कब लगा था कि ये जिंदगी में कुछ बनेंगे, और इंशाल्लाह कितने फर्स्ट टाइम में कहा था कि आप बहुत आगे जाओ। जी ब्रदर, सबसे पहले तो मेरा जो पहला गाना था जब वो लॉन्च हुआ उसके बाद ही आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, तो उसके बाद ही मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं इस फील्ड में प्रॉपर काम करूं, और इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं अपने प्यारे प्यारे गानों से। और जनाब प्रोग्राम की आखिरी कुछ कॉल्स हैं, हम आखिरी 15 मिनट में भी कॉल्स लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। भाई जान आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? सर मैं नादिर अली भट्टी बात कर रहा हूँ, सरजमीन मदीना तलौलिया मुल्तान शरीफ से। मुल्तान शरीफ से, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, अपने खैरियत से हैं? बिल्कुल, आपसे बात हो रही है। बस बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? उमेर हमारे साथ मौजूद है। उमेर भाई के लिए विश ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला इनको और तरक्कियां दे, कामयाबियां दे, और ये आसमान बुलंदियां कुछ हुए बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तो जनाब जितने भी लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सारे पहुँचेंगे और क्यूट जी लुक जो है उसको शेयर करेंगे, और वीडियो देख के मुझे 4471 पे मैसेज करके कैसी लगी आपको वीडियो। तेरे कई फरना मंग दिया तेरी था, पर मेरी तेरे विच वस दिए जा, नाला जो दो होना मेरा लॉन्च सोनी है, एक टॉकर आज कोई रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मानी भाई? मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। कौन कहां से? अवैस बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। अवैस, इस्लामाबाद से अवैस, क्या कहना चाहोगे? मैं भाई से ये पूछना चाहूंगा कि इन्हें ये क्यों लगा कि इन्हें अपना नाम जो है ना गनी टाइगर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? गनी टाइगर। किसने? मुनीर अवान को। नहीं नहीं, ये उमेर अवान है मेरे भाई, पहले सुनो तो सही, जाओ जाके 101 का ऑफिशियल पेज देखो, उसके बाद आओ। मेरा ख्याल है वो कंफ्यूज है दो बंदों के बीच में। ठीक है सर जी, जनाब आखिरी कॉल थी जी अभी तक की, और अभी हम चलेंगे एक कदम कमर्शियल ब्रेक की जाने, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून्ड टू 101। अगर आप सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं, तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं मिल जाऊंगा। Check. It's 11:30 PM. We'll be back after the short commercial break. पढ़ने लिखने का ख्वाब आँखों में सजाए, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, कुछ कर दिखाने की जुस्तजू, खुद को मनवाने की धुन, मैं पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी, कुछ सीखने की ख्वाहिश अब पूरी होगी रेडियो स्कूल के जरिए। पहली जमात से पांचवी जमात का निसाब एक मुनफरिद दिलचस्प और आसान अंदाज में आप तक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट साइंस। हमारे आसपास बहुत सी अशिया मौजूद हैं। तो रेडियो के साथ कीजिए सीखने का सफर, रेडियो स्कूल का हिस्सा बनकर। हर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक वीडियो पाकिस्तान की मीडियम वेव इस्लामाबाद, डीजी खान, कोयटा, तुर्बत, खुजदार और लौरालई, जबकि FM 93 रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, गिलगित, स्कर्दू, गवादर, FM 94 इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अलावा FM 101 फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान, कोहात, मीरपुर, खैरपुर, बहावलपुर, एबटाबाद,
और नारोवाल से सुनिए रेडियो स्कूल, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान है आपका अपना रेडियो। वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात और वजारत तालीम व पेशा वराना तरबियत की मुश्तरका काविश रेडियो स्कूल। पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमा। आप सुन रहे हैं FM 101। लिसनर्स वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुश आमदीद। जी आई हूं आपका होस्ट दोस्त चिक जानी है इनके डीजे मानी होंदी, मेरे साथ मौजूद उमेर अवान। तो जनाब जैसा मैंने कहा था कि हमेशा एफएम पे कॉल आती है, लेकिन आज एफएम से कॉल जाएगी सो वो चार लोग जो कि उमेर की इस सक्सेस का हिस्सा है, जिनको उमेर सबसे ज्यादा मानता है। जी आज अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आज लोग मुझे उमेर अवान के नाम से दुनिया के हर कोने में जानते हैं, तो उनके पीछे जो चार लोग मौजूद थे उनमें से पहला बंदा हमारे साथ मौजूद है। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलेंगी। पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा, अगर सितारा तो चले वो है ही है, लेकिन अगर हम बात करें कि वो किंग मेकर भी है, तो जनाब मुदस्सिर वदूद खान जो है इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। और मेहर को तो बहुत ही मुबारक हो, वो तो अभी खुशी से फट रहा होगा जिस तरह से उसकी तारीफें हो रही हैं। है? अच्छा उमेर से एक क्वेश्चन करना था। जी जी। उमेर मैंने काफी ऐसे पहले कहा था एक बेटा मायूस ना हुई, काम करता रही, एक दिन आएगा तू खड़ा होगा ट्रेंडिंग पे और लोग जो बातें कर रहे हैं ना, जो तेरी टांग खींच रहे हैं वो तुझे देख के जल रहे होंगे अभी भी। क्या बात, बिल्कुल उनको यार। बिल्कुल मुदस्सिर भाई, आपकी जो बात थी वो आज सच हो चुकी है, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर चुका हूँ मैं। ऐसे ही आगे भी काम करना है और करते रहेंगे। अच्छा एक मिनट मुदस्सिर भाई, मैं कुछ सवाल है मेरे पास। मतलब आपका बड़ा टाइम गुजरा, जब ये स्ट्रगल टाइम में था तो आपके साथ इसने काम किया, पहला गाना भी टिकटॉक बिलो भी आपने किया, और उसके बाद ये दूसरा जो क्यूट सी लुक भी। तो उमेर को पर्सनली आपके मतलब इसको कितने नंबर देंगे आउट ऑफ 10 के, ये अच्छा आदमी है या गुस्से वाला है, लड़ाका है, कैसा है? अच्छा तो है बिल्कुल भी। अच्छा नहीं बेसिकली इसको एहसास है, बहुत एक एहसास करने वाला लड़का है, और मुझे इसकी सिर्फ यही अच्छी चीज लगी कि यार ये रिस्पेक्ट देता है, और इसी वजह से मैं इसके साथ खड़ा हूँ और हमेशा इसके साथ खड़ा रहूंगा जहाँ तक इसको मैं लेके जा सकूँ। मुदस्सिर भाई जब आप बना रहे थे ये ट्रैक क्यूट जी लुक, तो क्या आपको लग रहा था कि ये ट्रैक इसको ट्रेंडिंग में लेके आ जाएगा? सर ये तो बादशाह भाई और मंच भाई का कमाल है कि ऑडियो इतना पावरफुल दिया गया है मुझे कि मैं इसके ऊपर अच्छा काम कर सकूं, ठीक है। और मेनली तो फर्स्ट बैक एंड पे आपका ऑडियो आता है, फिर उसके ऊपर काम करने का मजा आता है कि ऑडियो भी अच्छा है, तो फिर इसको हमने ऐसा बनाना है कि यार पूरी दुनिया में सुना जाएगा एक दफा काम हुआ। फिर मेरे एंड पे चीज रह जाती है कि यार मैंने वीडियो में कोई कसर नहीं छोड़नी है, अब ऑडियो में दिखाया गया तो मैं अपने आप को दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ। जबरदस्त, ये तो ठीक हो गया। आपका ट्रैक जो था इससे पहले भी जो है वो ट्रेंडिंग में रहे, पहाड़ों की कसम, जरा हम सारे सुनने वालों को बताइएगा अभी, मतलब ये कोई मुदस्सिर वदूद खान साहब का बनाया हुआ पहला ट्रैक जो है वो ट्रेंडिंग में नहीं है, बहुत सारे लोगों के ट्रैक जो है मुदस्सिर ने किए जो कि ऑलरेडी ट्रेंडिंग में थे। सो मुदस्सिर भाई बहुत सारे वो जो गाने हैं हमें जरा उनकी लिस्ट बताइएगा ताकि सुनने वालों तक वो पहुंच जाए। सर बहुत सारे लिस्ट है, पहाड़ों की कसम है, तेरे शहर में बिलाल सईद का दो नंबर है, मदीरा का है, और भी बहुत सारे मतलब लिस्टों की ढेर लगी हुई है, अब किस किस का नाम लेते रहे। मुदस्सिर भाई वैसे ये दो नंबर आपने बिलाल को क्यों दिया? उनके
उनकी अपनी वॉइस थी, उनका अपना गाना नहीं मुझे लग रहा था वैसे डिजर्विंग उमेर ही था। ये तो बात सही है। अच्छा चले, एक उस्ताद के नाते मुदस्सिर भाई कहाँ देख रहे हैं इसको अगले एक साल में? सर इसको इंशाल्लाह इधर ही देख रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग में देख रहे हैं। ट्रेंडिंग में देख रहे हैं, क्या बात है, ये होते हैं बंदे के वेल विशर। थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई। कुछ कहना चाहेंगे मुदस्सिर भाई? आप पहली दफा 101 के स्टूडियो से ऑन एयर हैं, पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान के लिसनर्स मौजूद हैं, एफएम 101 के लिसनर्स मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इनसे? उमेर से क्या कहना चाहूंगा? नहीं नहीं, आवाम जो सुन रही है उन तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? कुछ बच्चे भी सुन रहे हैं, नए बच्चे सुन रहे हैं। मैं उमेर को हवाला रख के ये कहना चाहूंगा कि देखें, एक बंदा स्ट्रगल करके जब चलता है ना, ठीक है, आप जब फोकस करते हो ना एक टारगेट पे, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे आपको जितने लोग रोकें, चाहे आपको जितने लोग आपको बुरा कहें उस टाइम पे, लेकिन आपके माइंड में आप बेस्ट हो और आपने अपने आपको फोकस करना है। लोगों की बातें सुनी तो वहीं पर मर जाओगे, अगर आप कुछ बन के दिखाना है तो अपने आप पे बिलीव रख के आगे बढ़ो। ये चीज मुदस्सिर भाई, थैंक यू सो मच, और यकीनन इसी तरह आपके गाने कामयाब होते रहे और इसी तरह हम आपको ट्रेंडिंग में देखते रहे, और बहुत जल्द मैं आपके साथ एक मुकम्मल इंटरव्यू करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आपने कॉल पे लिया और बड़ी खुशी हुई, और उमेर को भी देख के बड़ी खुशी हो रही है, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह करते रहे काम। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਲਿਕ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਊਟ ਜੇ ਲੁੱਕ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਡੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਰ ਜਾਣੀਏ, ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਲਿਕ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ। रोज मार दी, तक तेनू अख मर जानिए, होंदी ए बलिंक मेरी कार दी, क्यूट जही लुक तेरी सोनिए, डबरू नू नित रोज मार दी, तक तेनू अख मर जानिए, होंदी ए बलिंक मेरी कार दी। So, जनाब दूसरा वो बंदा जो कि उमेर की इस पूरी सक्सेस के अंदर मेन किरदार अदा किया जिन्होंने, तो जनाब वो है जी बादशाह साहब, जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया, जिन्होंने इस ट्यून को तैयार किया, वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बादशाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मानी भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैरियर से हैं? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, आपकी दुआएं। सर बहुत बहुत मुबारक हो, ट्रेंडिंग में नंबर वन नंबर टू बैक टू बैक आपके गाने, और तबाही निकाल दी आपने तो। जी बस ये अल्लाह पाक का करम है जी, बस उसी की सब कुछ उसी की उसी तारीफें उसी के लिए है, बस वो उसी की बरकतें हैं, हम तो बस ऐसे कोशिश करते हैं तो मालिक आगे बस फल देने वाली उसकी जात है। बादशाह भाई मुझे ये बताएं, ये एक नया टच दिया आपने, मतलब पहले पाकिस्तान का म्यूजिक बिल्कुल डिफरेंट था, सारे म्यूजिशियन हम लोग जानते हैं जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, सो ये किसने आपको मशवरा दिया कि हमें भी इस तरफ जाना चाहिए? भजन मैं ना अक्सर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि मैं बेसिकली मेरे जो बड़े भाई हैं उस्ताद बाकिर अब्बास, जो पाकिस्तान के लैटिन फ्लूट प्लेयर हैं, उन्होंने सबके साथ ही उस्ताद अशरफ अली खान साहब, मैडम नूर जहां, तो मैं भी बेसिकली मेरी जो आइडेंटिटी थी वो मेरी वो फ्लूट प्लेयर की ही थी। स्टार्ट तो मैंने फ्लूट प्लेइंग से शुरू किया, सेशन बजाने लोगों के साथ, सारे सिंगर्स हमारे जितने मेन स्ट्रीम सिंगर्स हैं सबके साथ। तो मैंने जब आज से कोई तकरीबन 6-7 साल पहले मैंने कंप्यूटर लिया, तो हमें वही जो प्योर म्यूजिक है तो उस तरह का करने का शौक था। तो जो आजकल के जो यंगस्टर्स आते थे ना मेरे स्टूडियो में जी, वो कहते थे कि बादशाह भाई हमें कुछ आजकल की यो चीजें यो समझ रहे हैं ना, जो आजकल की जी जी बनी हुई है, कि कुछ यो काम सुनाए। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार देखिए मैं इनको इतना प्योर म्यूजिक सुना रहा हूँ, लेकिन वो अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है, उनका वो नाचने को दिल करता था और उस तरह का इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। अच्छा तो मैंने कहा यार
अच्छा तो मुझे यार देखो तो सही ये म्यूजिक है क्या। फिर मैंने वो देखा जब उस वो वाले म्यूजिक के जो पायनियर्स थे जिस तरह एड शीरन वगैरह या जस्टिन बीबर हो गया, जब मैंने इनके गाने सुने तो मैंने देखा कि यार टैगा हो गया या ट्रेविस स्कॉट हो गया, तो मैंने देखा कि यार ये क्या ऐसी चीज है जो यूथ को बड़ी इम्प्रेस करती है। तो वो फिर वहां से मैंने कहा अच्छा, वो आपको पता है बेसिक ये ऐसे ही है जैसे आप किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े होते हैं ना, उसके बाद आपने जिस फील्ड में जाना है बस आपने उसकी थोड़ी बहुत टेक्निक्स देखनी होती है, तो बेसिक आपकी स्टडी पीछे से हुई होती है। तो मेरी म्यूजिक की स्टडी तो पीछे से पहले से हुई हुई थी, तो मैंने बस वो चीजें देखी कि यार अच्छा ये म्यूजिक में ये चीजें बज रही है, टोन आजकल के जो म्यूजिक में लेटेस्ट साउंड बड़ी जरूरी है। अच्छा बादशाह भाई मुझे एक जल्दी जल्दी से इस सवाल का जवाब देंगे, आपके दो गाने, बहुत बड़ा सिंगर पाकिस्तान का, बहुत बड़ा सुपरस्टार अली जफर, उसका ट्रैक और उसके साथ उमेर का ट्रैक, मतलब ये दो ट्रैक थे, आप ही के ट्रैक थे, उमेर टॉप पे जा रहा था, अली जफर दूसरे नंबर पे था, तो क्या फील, मतलब क्या जहन में आ रहा था, मतलब रेटिंग में यही ऊपर जाना चाहिए था, ये वो ठीक था, मतलब क्या अली जफर जो है वो ऊपर निकल जाए। मुझे तो दोनों मेरे लिए यकीन थे मेरे लिए, बल्कि मैं आपको बड़ी मजे की बात जी, जब ये कल रात की बात है जब गाना रिलीज हुआ ना, हाँ। तो अली जफर साहब ने एक फिक्रा कहा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उससे मुझे ये लगा ही नहीं कि ये दो गाने, मुझे यही लगा कि ये एक गाना है। जब अली भाई का उस वक्त ट्रेंडिंग में 8 पे था और हमारा नंबर 1 पे था, तो अली भाई ने मुझे नहीं बताया, अली भाई ने अपने किसी वो जो उनकी मैनेजिंग टीम थी ना जी जी। सोशल मीडिया की, उनको फोन करके अली भाई कहते हैं कि यार देखो ट्रेंडिंग में हमारे ही गाने हैं, समझ रहे, उन्होंने क्यूट जी लुक को भी हमारे ही लव्स यूज किया। मतलब देखे ना, बड़ा स्टार जो होता है वो बड़ा स्टार होता है ना, उन्होंने उस चीज को, मतलब कि आपके गाने थे दोनों के दोनों, उन्होंने कहा जी हमारे ही गाने हैं। हाँ जी, उससे मुझे इतनी मुझे पॉजिटिविटी एनर्जी मिली, मुझे फिर मेरे लिए ये दोनों, फिर मेरे लिए ये अल्ले और क्यूट जी लुक दो गाने रहे ही नहीं, फिर मेरे लिए ये एक ही गाना है बस। अच्छा मुझे ये बताएं क्यूट जी लुक, हम सिर्फ इसी गाने की तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि इसका आपको जाती तौर पे कैसा रिस्पांस मिला? मुझे भजन, मैं अभी तक के जितने मेरे काम हैं उसमें सबसे ज्यादा स्पीडी रिस्पांस जो मुझे मिला है ना वो क्यूट जे लूप पे मिला है। अच्छा। मतलब आप देखे ना कि अभी इसको तकरीबन कोई 9-10 दिन हो गए जी, तो 7 मिलियन व्यूज हो गए, मतलब फटे चक दिए आप लोगों ने। बस जनाब हमने कोशिश की है, बस वो आगे वो मालिक की जात है। अच्छा, जो उमेर, आगे आपको कामयाबी देने वाली। बादशाह भाई एक आखिरी सवाल आपसे, उमेर के बारे में क्या हमें बताएंगे, क्या देखते हैं एक साल के बाद उमेर को, कहां देख रहे हैं आप? उमेर जो है माशाल्लाह बहुत मेहनती लड़का है और बहुत हार्ड वर्किंग है, मैं बड़ी उमेर को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि यार मैं ही अकेला इतना ज्यादा नहीं स्ट्रगल कर रहा, मेरे साथ और लोग भी हैं जो टीम जुड़ी हुई है। उमेर बहुत स्ट्रगल करता है और ये इतना ट्रैवल करता है माशाल्लाह, अल्लाह इसको और कामयाबी दे। आमीन, और आमीन। बड़ा मेहनती है, मेरी बड़ी दुआएं हैं इसके साथ, और ये बड़ा चूजी है भजन, मैं इसको गाने डेमोज जब सुनाता हूँ ना तो ये जल्दी, ये जैसे होता है ना कि कोई चीज चुन लेना, किसी 10 चीजों में से कोई एक चीज चुनना, ऐसे ही है, तो ये बड़ा चूजी है। आजकल भी मैं एक गाना इसके लिए बना रहा हूँ, तो अब मैंने 2-3 कंपोजिशन बना ली है इसके लिए, नेक्स्ट ट्रैक के लिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कौन सा भेजूं जो ये सिलेक्ट कर ले, क्योंकि ये बजाय इसको मैं तीन भेजूं गाना। अच्छा तो मुझे 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 ये बताए, जब भी आप इस्लामाबाद आएंगे आप 101 के मेहमान होंगे, FM 101 आपको दावत दे रहा है, जब भी बादशाह भाई आप इस्लामाबाद आएंगे आप मानी के शो का हिस्सा बनेंगे, कंप्लीट इंटरव्यू करना है मैंने आपका। मैं जनाब आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, बहुत बेहतरीन लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया मानी भाई, जजाकअल्लाह, पाक आपको अपने पनाह में रखे, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और सब FM 101 के सुनने वालों को मेरी तरफ से मुअद्दबाना सलाम, और अपनी अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारे गाने को सपोर्ट करे प्लीज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। लव डोज दे जा थोड़ी, लव डोज ले जा, लव डोज दे जा थोड़ी, लव डोज ले जा, एक बारी सोनी है तू डोली मेरी पे जा, एक बारी सोनी है तू डोली मेरी पे जा, तेरा मिला दूं हर सानी, क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है,
तो जनाब अभी एक एक सवाल जो है ना वो बादशाह भाई से बात करने के बाद मेरे जहन में आया। तो उमर बादशाह भाई ये तो बड़े करीब रहे हैं इन स्ट्रगल के दौर के अंदर, तो मुझे ये बताओ कि चूजी हो ऐसे ही है भाई जान? आप ये मोबाइल जरा थोड़ा दूर कीजिएगा। अच्छा तो मुझे ये बताएं आप चूजी हैं? मुझे बहुत मुश्किलों से जाके कोई चीज पसंद आती है। अच्छा, किसी तो भी मामले में। मतलब शादी भी करोगे या बस ऐसे चूज ही करते रहोगे? नहीं नहीं, शादी तो ऑब्वियसली लाजिम है कि शादी के बगैर तो इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। नहीं कहते हैं ना ये मतलब ये वो फल है जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए, तो खा के पछताने का इरादा है। हाँ मेरे ख्याल से खा के पछताना बेहतर है। तो उमर शादी कश्मीर से करने का इरादा है, इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से? ये तो फिर अब नहीं, वैसे कोई इरादा भी तो होता है, वक्त क्या मतलब कुछ 76 साल की उम्र में करनी है। तो लड़की इंसान को अगर उसके सोच के मुताबिक मिल जाए तो इंसान कहीं से भी, लाजमी मैटर नहीं करता कि कश्मीर से की जाए या पाकिस्तान। बेसिकली वही पूछना चाहो, सोच है क्या? इस टाइम पे यकीनन बहुत सारे तुम्हारे फैंस मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सो फैंस की बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, सो उनको बताओ भाई क्या सोच रहा है उमर इस तरफ। मेरे ख्याल से एक अच्छी लड़की में इंसान ये देख सकता है कि वो आपके लिए केयरिंग हो, लविंग हो, आपको इम्पोर्टेंस दे, और हर मुश्किल घर वालों की मर्जी से करोगे लव मैरिज करोगे? मैं तो लव मैरिज ही करूंगा। सीधी सी बात है। मतलब अभी तक तौबा नहीं की है। सोचना बनवन पे शुगर जारी है। लुक तेरी सोनी है। पाकिस्तान का ट्रैक क्यूट जी लुक जो कि ट्रेंडिंग में 7 दिन नंबर 1 पे रहा। मेरी कार दी क्यूट जी लुक तेरी सोनी, जिसने उमर की जिंदगी को बदल के रख दिया कुछ रातों के अंदर अंदर। सो उमर जो है एक आम सिंगर से स्टार बन गया। सो कैसा लगता है खुद को बड़े बड़े सिंगर्स के बीच में देख के? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से मैं प्राउड फील करता हूँ कि पाकिस्तान के फेमस नामों में मेरा नाम भी जो है वो शामिल हुआ है। और बस जितने भी पाकिस्तानी कश्मीरी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं यही चाहूँगा मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। चलें हम पूछ लेते हैं आपसे, सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आपको? मुझे वो इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, अभी इसी वक्त यूट्यूब पे जाएं, क्यूट सी लुक गाने पे जाएं, उसको लाइक करें और मेरे नाम के साथ वहां पे कमेंट करें, तो इससे बड़ी सपोर्ट मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगी। चलें जी, कश्मीर वाले सारे के सारे पहुंचेंगे और कश्मीर का ये गाना, कश्मीर के इस जवान का ये गाना जो है ना वो कहीं से भी नीचे नहीं आना चाहिए। आप लोगों की शेयरिंग भी चाहिए, आप लोगों के कॉमेंट्स भी चाहिए, आप लोगों के लाइक्स भी चाहिए, ये मानी का ऑर्डर भी है। अच्छा तो वालिद साहब भी प्रोग्राम सुन रहे होंगे जी, क्या कहना चाहोगे आज उनसे? बस यही कहना चाहूंगा कि मार तो बड़ी खाई है उनसे, लेकिन ये कि वो लेकिन आज वो उनकी डांट, उनकी स्ट्रिक्टनेस मेरे काम आई है और मुझे लाइक बहुत अच्छा फील होता है कि उस वक्त उन्होंने मुझे इतना डांटा भी, समझाया भी और आज जाके मैं किसी मुकाम पे पहुंचा। अच्छा वैसे हमारे जो घर वाले हैं मोस्टली समझने में गलती कर देते हैं, मेरे वाले साहब ने भी मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, बड़ा मसला बना रहा। तो जब भी कोई स्टार घर से निकलता है ऐसा ही होता है, ये स्टोरी ऐसी चलती है? बिल्कुल, माँ बाप को क्यों नहीं समझ आता कि हमारे घर में स्टार पैदा हो गया? हर स्टार के पीछे नहीं, मतलब माँ बाप को क्यों नहीं पता चलता? बाकी तो इतने अक्लमंद होते हैं कि स्टार पैदा हो गया ये क्यों नहीं पता चलता? अगर सबको पता चल जाए तो फिर हमें ही नहीं पता होता। हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम स्टार बने। अच्छा इसमें मजे की बात यह है, 11 साल की उम्र में मैं था, कहीं गया, किसी बंदे ने मेरी आंख में तिल देखा, मुझे कहता है आपको शोहरत और बुजुर्गी मिलेगी। तो मैं उस वक्त खाने के पैसे नहीं थे जेब में, मैं कह जान दे बाबा केड़ा गल कर रहे यार। तो ऐसी बहुत सारे काम हो जाते हैं वैसे। उमर अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? आखिरी 5 मिनट है हमारे पास, फैंस बढ़ते जा रहे हैं, तादाद बढ़ रही है, तो क्या फैंस को क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं फैंस को यही कहना चाहूँगा कि अगर उनकी लाइफ में कोई भी उनका मकसद है, कोई भी मंजिल है, कुछ वो बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो एक दफ़ा पक्के इरादे के साथ उस काम को करें, कभी भी हिम्मत ना हारें, तो इंशाल्लाह 100% वो अपना टारगेट को अचीव करेंगे। 101 के लिसनर्स के लिए क्या पैगाम है? 101 जो के लिसनर्स हैं उनके लिए तो यही पैगाम है कि इसी तरह मानी भाई को प्यार देते रहें, मानी भाई को सपोर्ट करते रहें, मानी भाई का शो सुनते रहें। लव यू ऑल।
और रेडियो पाकिस्तान, आज आज जो है आपकी प्रोफाइल जो है वो रेडियो पाकिस्तान में लिखी जा रही है। हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है जिस सीट पे आप मौजूद हैं, पाकिस्तान के सभी बड़े आर्टिस्ट यहाँ बैठ के जा चुके हैं। अगर हम अफरीदी की बात करें या किसी की भी बात करें, आतिफ की बात करें, फलक शबीर की बात करें, बिलाल सईद की बात करें, जितने भी सिंगर्स यहाँ से गुजर गए, आज उमैर अवान रेडियो पाकिस्तान में मौजूद है। रेडियो पाकिस्तान कितना अहम है और कितना सुना जिंदगी में, और रेडियो पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहोगे? जी, रेडियो पाकिस्तान के लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये वाहिद पहला अदारा है जो सोशल मीडिया का बेहतर किरदार अदा कर चुका है, और इसके बगैर लाइक ये लाजमी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो शोबे से बिलोंग करता है, कोई भी पब्लिक फिगर है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। मतलब आपने दुनिया में बाहर भी घूमे, पाकिस्तान के हर जगह पे टीवियों पे गए, आप ट्रेंडिंग में मौजूद हो, फिर भी फैसला किया कि मैंने FM 101 जाना है, मैंने रेडियो पाकिस्तान जाना है। जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म कोई भी हो वो इंसान की बेस होती है, कि कोई छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियो को मदर ऑफ मीडिया कहा जाता है, ये बात सच है? जी बिल्कुल सच है। है ये अम्मा बिल्कुल ऐसे ही है जी। उमैर बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें बहुत सारे रंग लगाए, बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। आमीन आमीन। और जाते जाते तीन लोगों से तो बात होगी, चौथे बंदे के बारे में क्या कहोगे? चौथा बंदा मेरे सामने ही बैठा है, इमरान अली डीजे मानी, तो मैं इमरान भाई से ही पूछना चाहूंगा कि यार इमरान भाई आपके मेरे बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? यार खूबसूरत इंसान, जिसको देख के जब ये मुझे 5 साल पहले मिला तो आप लोगों को अगर नहीं यकीन आता, जो लोग मेरे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, 23 जुलाई 2015 में मेरी फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगी है जिसमें मेरी और इसकी बहुत पुरानी तस्वीर लगी है और ऊपर लिखा हुआ है जी अपकमिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान, इसकी आंखें जो है ना वो बताती हैं कि ये स्टार है। मतलब कई लोग होते हैं ना, उन पता नहीं चलने देते, लेकिन कई लोग होते हैं उनका उनका आउटलुक, उनकी आंखें, उनका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बता रहा होता है कि ये स्टार है। अगर मुझे लग रहा था ये सिंगर ना बनेगा तो ये एक्टर बन जाएगा, लेकिन ये बनेगा जरूर, इतना मुझे यकीन था, और ये मुझे यकीन 5 साल पहले से था। और बेहतरीन इंसान है। आप जितने भी मेरे चाहने वाले, जितने भी मेरे सुनने वाले प्रोग्राम सुन रहे हैं, जाइए जाके इसको फॉलो कीजिए, और जितनी सपोर्ट कर सकते हैं आप जरूर कीजिए, क्योंकि हमें हमारे इस कश्मीर के भाई को इसी ट्रेंडिंग में रखना है। थैंक यू सो मच उमैर अवान, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मनी भाई, थैंक यू सो मच। तो जनाब छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी, बड़े ही प्यार से। सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह हाफिज, फी इमान अल्लाह। क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, कब्र नु नित रोज मार दी, तक तेनु अख मर जानी है, होंदी है ब्लिंक मेरी कार दी, क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, डबरू नु नित रोज मार दी, तक तेनु अख मर जानी है, होंदी है ब्लिंक मेरी कार दी।